हाँ जी असीकाल बच्चों सारा नू। सो आज आपां सुपर डुपर सीरीज तो बाद बहुत ही एक स्पैशल अल्टीमेट सैशन बच्चों लेके आ रहे हैं जिदे विच आपां आने वाले 14, 15, 16 जां जो तुसी फ्यूचर च भी एग्जाम देना PSSB दा कोई भी वो सारा कुछ आपां कवर करन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास बच्चों मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर ही अपलोड की सी जिदे विच मैं इस अल्टीमेट सैशन के रिगार्डिंग तुहाडी एक हिसाब नाल पोलिंग करवाई सी भी लाइव जां रिकॉर्डड। क्लीयर बचो 1% जित हुई है बिकॉज अपने काफ़ी मच्योर बच्चा पढ़िया लिखा बच्चा जुड़िया हुआ है जिन्हों टाइम की कीमत का पता है कि टाइम बहुत जरूरी है। इस समय जोड़ा बच्चा टाइम की प्रॉपर वरतों करेगा उ मैरिट लिस्ट में आएगा। सो बच्चों ने मतलब वधिया मच्योरिटी दिखाई तो 80-90% बच्चों ने कहा भी रिकॉर्डड सैशन ही रखियो। सो अज आप अल्टीमेट सैशन का बचो पार्ट 1 रिकॉर्डड फॉर्म के ही अपलोड कर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट अज मैं स्टार्टिंग नहीं करना चाहता बिकॉज तुम्हें पता ही है भी सुपर डुपर च तो आप 10 सवाल डिस्कस करने होंगे हैं। अज आप बहुत बहुत भारी मात्रा च आप सवाल डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। बाकी पॉलिटी क्यों लिखे बच्चों क्योंकि जो आने वाले पेपर है 14, 15 ते 16 इन्हों के सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉलिटी की है। जिन्हों बच्चों ने पॉलिटी अडड प्लेटफॉर्म्स तो पढ़ी हुई है मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तुहाडे लई भी ये सैशन बेस्ट है बाकी अपने बच्चों की तो सैशन एवरग्रीन ही है, ठीक है ना। सारे बच्चों ने वधिया तरीके रिविजन करनी है। सो स्टार्ट करने तो पहला बच्चों मैं दस देना चाहना है जेकर तुसी हजे भी नंबर 1 बैच ऑफ पंजाब ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर भी अज का यह सैशन लाने तो बाद हुण कितें बैच एनरोलमेंट ऐप वाल ना जायो पहले सैशन पूरा कर लियो। ये बैच ज्वाइन जरूर जरूर करना है बिकॉज ये ही तो वाकई पता लगेगा भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी किमें होंगी है कि सब्जेक्ट किस तरीके पढ़ने हैं बिकॉज बच्चे बहुत थावान से बैच ज्वाइन करी बैठे हैं। ये बच्चों का रिव्यू होंगे जो सब घर आके स्पैशली आपके दुख सांझे करके जाए भी सिस्टम सर सारी हौच पौच होया पै काला माला होया पै पता ही नहीं लगता कितने की है आ ही नहीं पता मैं की कर लिया की रहा की मेरा छड़ता इन्होंने की छड़ाता कोई गल पल्ले नहीं पा रहे बस भी हल्ला गुला हा हा ही ही के चक्कर दे विच कुंडा करिया पिया। सो ये बैच जो ज्वाइन करोगे प्रॉपर फोल्डर शो होंगे सो कंपीटेटिव एग्जाम दे विच कॉन्फिडेंट फील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिहड़ा कि सैकड़े हजारों की बच्चे मतलब गिनती की है इस बैच में ऑलरेडी की है ज्वाइन किया हो। हाँ तुम आपके ज्वाइन करने तो पहले जरूर मैं तो कहना हूं बिकॉज पंजाब का हर एक कोने का बच्चा इस बैच एंट्री ले चुके हैं तो करके तुम आपके किसी भी दोस्त मित्र तो इस बैच बारे रिव्यू ईजली लै सकते हो तो शहर च आराम मिल जूगा। चलो भी ये बैच देखना कितने है बच्चों ये अपनी तुम प्ले स्टोर से जाके ऐप करनी है डाउनलोड बहुत प्यारी ऐप है रुपिंदर सिद्धू अकैडमी नंबर भर के लॉग इन कर देना है तो उस तो बाद कुछ नाम भी पता लगे तो इस नंबर से करनी है कॉल। बट थोड़े दिमाग चल रहा होगा भी जरा सैड से अपना लिखा सी बिग सरप्राइज की है उत्ते मैं जो टाइम वेस्ट बहुत घट करूंगा बच्चों वो बिग सरप्राइज स्टूडेंट की डिमांड से है सारा ये आप एक अलग वीडियो ही अपलोड करा आप, ठीक है ना। तो घबराओ ना हजे तो 3 मिनट ही होए सैशन बहुत व्डा हो जा रहा है तो चाह पानी आपका नाल लैके बैठो, ठीक है ना। चाह पानी लैके बैठना कुछ होर नहीं लैके बैठना। चलो वो सरप्राइज बच्चो आह भी हूँ आप भरावे जबरदस्त उड़ान बहुत आप वधिया सैशन रखा जिस आप फुल डिस्कशन करा भी कि लिए बैच होगा कि ज्वाइन करना है मोटा मोटा है समझ के रख लो भी हूँ अपना नंबर 1 बैच ऑफ पंजाब ऑफलाइन दे विच भी आप स्टार्ट करा बच्चो 17 अक्टूबर इधर रिगार्डिंग सुन मैं इनफॉर्मेशन अगेन अज थोड़ा मैं प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ किसी बच्चे ने यह जानकारी लेनी है अगेन इस नंबर से कोशिश करना है ऑफलाइन बैच की जानकारी जेकर लेनी है तो इस नंबर से कॉल करनी है, ठीक है ना। 98-157-76-606 इस नंबर से कॉल करना है रिगार्डिंग ऑफलाइन क्वेरीज ते ऑनलाइन दे रिगार्डिंग फिर सानू पता ही है इस नंबर से कॉल करना बाकी वो सैशन आप अलग रखांगे की सिस्टम होगा किन्ना मंथ ड्यूरेशन होगी किन्ना दे लई बैच है किने ज्वाइन करना किने नहीं करना यह पहला मतलब पहली अकैडमी क्योंकि बच्चों की अकैडमी है ये मिस गाइड नहीं किया जाऊगा तो स्पष्ट दस दिता जाऊगा भी हाँ तुम इस बैच ज्वाइन करना या नहीं करना भीड़ भड़के वाला काम नहीं करना आप करके कहना मैं क्वायरी तुम आपकी हैंडल कर लो तू चक्कर ठीक है ना ऑफलाइन जा रखियो। हाँ ऑफलाइन का नंबर ए है तो ऑनलाइन का नंबर ए है, ठीक है ना।
चलो भी सो फाइनली फिर बच्चो अज का सैशन कर जा रहे हैं स्टार्ट। वह फिर रंग लाल ही सही है, नहीं नीला सही है यार, लाल तो सोनू मैं करूंगा अज। चलो भी पहला क्वेश्चन हाँ कोशिश करना है सवाल बच्चो पहला तुसी आप पढ़ना, जो कुछ ना पता लगे तो मैं पढ़ा दिया करूंगा, वीडियो पॉज भी कर सकते हो। हाँ जिन्हें बच्चों को पता लग गया जवाब की है उत्तर की है वीडियो दो दी स्पीड से ला के भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलो सॉरी बच्चों हाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते आप संविधान की अमेंडमेंट कर सकते हैं, उस पता तो है ये फीचर। पहला सवाल बच्चों की है एक पास आप लिखिया संविधान के फीचर, एक पास लिखिया मुल्क भी आप संविधान सू पता है भी वक् वक् मुल्कों तो कट्ठा करे ये कहते फिर समान जी तो कट्ठा करे दसो फिर कि समान कितों लिया है। सो अमेंडमेंट बचो ये आप लिया साउथ अफ्रीका चो, साउथ अफ्रीका च दो फेमस चीजा एक तो अपनी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दूजा अपना ए बी डिविलियर्स, बस आ दोने फेमस है सो ये आप साउथ अफ्रीका तो ले है। दूजी गल डायरेक्टिव प्रिंसीपल, सो यद आंसर बचो की आऊगा यदा आंसर आऊगा तीजा। डायरेक्टिव प्रिंसीपल आप है आयरलैंड तो, आप है आयरलैंड तो बच्चा बच्चा जान दे बच्चा बच्चा जान दे, जे हजे भी नहीं जानते तो बहुत तैयारी बहुत ज्यादा नुकस है फिर अपनी च। दूजी गल भी है होर आप बच्चों आयरलैंड तो की लिया, होर आप आयरलैंड तो की लिया सब तो कीमती पॉइंट है होर आप आयरलैंड तो लिया मैथड ऑफ, ये सब तो कीमती पॉइंट है क्योंकि अपने मुल्क दे विच राष्ट्रपति की चोन हुणे होके हटी है तो पेपर वाला पूछ सकदा भी इहदा मैथड राष्ट्रपति नूं चुन दा मैथड आपां किहड़े देश तो बोरो कीता है, तो बच्चा आपां टिक लावांगे आयरलैंड ते नाल इक पॉइंट होर लिख के रख लो आयरलैंड तो होर आपां की लिया मैं दस दें जिहड़ा अपना प्रेजीडेंट बच्चो राज्यसभा दे विच 12 बंदे नॉमीनेट करदा है ये भी आपां कंसैप्ट आयरलैंड तो लिया है सो ये बहुत कीमती पॉइंट है। फिर अपना आ गया जी एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेजीडेंट, ये सब तो सिरे का पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि जेडे एमरजेंसी प्रोविजन है जे तो मान लो पेपर दे विच जमा ही सिंपल आ गया एमरजेंसी प्रोविजन भी जेडे अपने मुल्क दे विच जां अपने संविधान च एमरजेंसी प्रोविजन है ये आप कितों बोरो किए हैं आप टिक लावांगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हुण देखो इत्थे ऑप्शन कितने है नहीं गा तो ध्यान ना पंच समझो कहना की चाहता है यदा मतलब आपां नूं पेपर वाले ने यह नहीं पूछा कहिंदे जदों एमरजेंसी लग जाती है तुहानूं पता ही है फिर बच्चो जदों अपनी चल कोई भी है नैशनल है स्टेट है कोई मर्जी एमरजेंसी है जदों नैशनल एमरजेंसी मान लो लग गई तो इस एमरजेंसी का अपने फंडामेंटल राइट्स ते की प्रभाव पैंदा है उसनूं पता ही है भी फंडामेंटल राइट दे जिहड़े आर्टिकल नंबर 19 है वह तो आटोमैटिकली सस्पेंड हो जाता है कि राष्ट्रपति बाकी फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड कर सकता है 20 ते 21 नूं छड़ के। सो मैं ये कहना की चाहना है जे तो मान लो सिंपल आ गया एमरजेंसी प्रोविजन फिर तो आप टिक ला देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत सिंपल है। जे आ गया भी अपने सस्पेंशन भी सस्पेंशन होगी कहदी फंडामेंटल राइट्स की कदों ड्यूरिंग एमरजेंसी ये आप कितों बोरो किया है तो बच्चों आप टिक लावे जर्मनी समझ गए। फिर अपना आ गया यूनियन स्टेट रिलेशनशिप जिहड़ा अपने मुल्क का सब तो वड्डा मुद्दा है जे सेंटर च सरकार हो रहा है सूबा सरकार हो रहा है बस एक दूजे ताना मीणा चलते ही रहिंदा है ये सानू ठिठ करते हैं सानू फंड नहीं देंदे सानू मांझा पिया है ये वितकरा करते हैं मृती मतरी माँ वाला करते सलूक ये है वो है रिलेशन बहुत गंदा है क्योंकि अपने देश के सियासत बहुत गंदली हो चुकी है पार्टीबाजी के तौर पर काम होंगे देश की तरक्की के तौर पर काम नहीं होंगे अपने मुल्क तुसी आपके पिंड लैवल से देख लो कोई गली कच्ची है कोई गली पक्की है पार्टीबाजी करके है तो ये बहुत बड़ा रोड़ है रिलेशनशिप होना बहुत चंगा जरूरी होंगे। हम अपना देश की है अपना मुल्क क्वैसी फैडरल है बहुत ध्यान ना समझना है क्वैसी फैडरल का मतलब बच्चों की होंगे एक तो होंगे सीधा फैडरल फैडरल का मतलब की होंगे जिमें स्ट्रोंग फैडरेशन आप कह दिए जिमें अमेरिका की है स्ट्रोंग फैडरेशन है हूँ अपना मुल्क की है कहनू तो फैडरल है बट क्वैसी फैडरल है भी अद्धा फैडरल है अद्धा फैडरल मतलब किमें भी स्टेटा को पावर तो है बट आपकी धौंस कदों भी जमा सकता कौन केंद्र केंद्र यूनियन अपने मुल्क दे विच स्ट्रोंग है ये चीज़ आप याद रखनी है तो ये जमा डिटो कंसैप्ट आप कितों बारो किया है
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਡੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਚਾਰ ਫੀਚਰ ਚੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਐਸੀ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਡਰਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਡਰਲ। ਸੋ ਕੁਐਸੀ ਫੈਡਰਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਸ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾ ਬੋਥ ਆਫ ਦੀਸ, ਫਿਰ ਦੇ ਤਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ, ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟਿੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫੈਡਰਲ ਕਿ ਯੂਨੀਟਰੀ, ਫਸ ਗਏ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਟਿੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸੀ ਫੈਡਰਲ, ਕੁਐਸੀ ਫੈਡਰਲ ਟਿੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਥ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥ੍ਰੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਥ੍ਰੀ ਬੱਚੋ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਥ੍ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬੀ ਦਾ ਫੋਰ ਹੈ, ਬੀ ਦਾ ਫੋਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਕਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੋ? ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੌਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਕੌਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ? ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੀ ਏ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਊਗੀ। ਹੋਰ ਚਾਹ ਬਣਾਊਗੀ? ਸੀ ਏ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟ ਕੱਢਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ? 1939 ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ? 45 ਅਤੇ 49 'ਚ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਬੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਜਪਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਪੜਾਕੇ ਪਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸੀਆ ਜਪਾਨ ਸਾਥੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੀ ਗਾਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1940 'ਚ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਅਗਸਤ ਔਫਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਸਤ ਔਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਡੇ ਬਹਿਤੀ ਆ ਗੋਰੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਾਂਧੀ ਰਿਪੈਕਟ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬੱਚੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਹ ਆਪਣਾ 1940 ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ 1942 ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਕੈਬੀਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 1946 ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਗਸਤ ਔਫਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਬਣੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਗਏ? ਔਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਸਤ ਔਫਰ ਟਿੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਤੀ ਫਿਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਕੈਬੀਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਏ ਵੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਪੈਥਿਕ ਲੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧੁੰਦਲੇ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਛੇੜਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅੱਜ ਸੀ ਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੀ ਏ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਟੋਪ ਕਲਾਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਐਮ ਐਨ ਰੋਏ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਨ ਰੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਊਗੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਕੀਮ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਬਾਏ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮਾ ਤੁਰ ਤੱਕ ਲਾਉਣ, ਜਮਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ MN ਰੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ CA ਬਣਾਓ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾਓ? ਕੋਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀ? ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ CA ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਜੀ? ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਟਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 1940, ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 34, 36, 40 ਤੇ 46, ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ CA ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ? ਆਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ CA ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। CA ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਭਾਈ CA ਦੇ 399। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ 399 ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੂੰਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੇਜ ਲਿਖਣਗੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੜਪਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ CA ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 22। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ CA ਹੈ, ਹੁਣ CA ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ 399 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਂਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ CA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ 399, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ MP ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 92 MLA ਆਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਇਕੱਲਾ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਛਾਂਟਣੀ ਪੈ ਗਈ CA ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਕਲਾਓਗੇ? ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ CA ਵਰ ਇਲੈਕਟਡ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ CA ਵਰ ਇਲੈਕਟਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਆਹ ਵਰਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਬਟ ਆਏ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਕਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ? CA ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸੋ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਟ੍ਰਿੱਕੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੇ ਹੈ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਅਡਲਟੀ,
इन्ना मन के आप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी बस काम निपट गया भी सारिया माइनोरिटियां होना है, तो है नहीं भी कल भी हिंदू सीए सीटा वंडिया आप मुस्लिम सिख जनरल सब कुछ सी। फिर आप स्टेटा च प्रोविंस मतलब स्टेटा होंगे राजे दियासत होंगे आप सारों सीटा वंडिया कोई शक वाली गल नहीं। ये 399 सीटा आप अगर डिवाइड भी करते होंगे 292 प्रोविंसिस 93 जी अपना राजे दिया रियासतों तो 4 अपन कमिश्नर प्रोविंसिस ये सब कुछ आप देखा हुए। सो ईजी पॉइंट है। चलो भी अगला पॉइंट कहते जी अपनी फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली है। पहली गल तो इन्होंने संविधान बनाने कि चिर लाता आपू पता बच्चो 2 साल 11 महीने 18 दिन इन्होंने संविधान बनाने लाता। सो सवाल बहुत ध्यान न पढ़ना है इतने वो नहीं पूछा भी सोनू की लगता है कि मिनटों मिनट ही भड़का दोगे 26 नवंबर 1949 तुम्हें पता ही है इदे अपना संविधान आप किया बच्चो अडोप्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ने 26 नवंबर 1949 संविधान की किया अडोप्ट मतलब एडा मोटा रजिस्टर लिख के लकड़ा मेज से धर लिया भी अज तो बाद भाई अपना संविधान यही है तो अपना मुल्क ही चलूगा ये आप मान लिया अडोप्ट कर लिया। बट दिमाग च तो अपने वह गुलामी वाला दौर चली जाता सी ना हजे भी किन्ने किमें छत्र खाधे गोरिया तो मसा आजादी ली है भी फिर अपने दिमाग च आ गया लाहौर सैशन 1929 वाला जो कहें आप आने वाली 26 जनवरी 1930 आपका पहला इंडिपेंडेंस डे सैलीबरेट करा कहते बई फिर अपनी नवंबर तो आई गई हुए ठंड तो हैगी है कि कंबल कुंबल लेके पे बीमार होवे कहते आप फिर जनवरी के दिन जो खुल जाएंगे लोहड़ी तो बाद आप फिर कहते संविधान उदों लागू करा तो जे पूछे अपना संविधान फिर लागू कदों होया तो आप टिक लावे 26 जनवरी 1950। लागू का मतलब की होंगे बच्चो केम इन टू फोर्स लागू होना। हुण इत्थे पुछा की है इत्थे ना तो आपां नूं अडोप्ट पुछे है ना लागू पुछे है कहिंदे केड़ी डेट नूं कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली साइन किया सारे सीए दे मैंबरां ने ये की गल हो गई बई हुण की टिक लाओगे तो बिच आ गया फिर डब्बे दे सो आपां टिक लावांगे 24 जनवरी 1950। तो जे पुछा सीए दे किन्ने मैंबरां ने साइन ठोके है जो आप संविधान अडोप्ट किया आप टिक लावे 284 मैंबर्स। तुसी कहोगे सर जी आ की हुण तां तुसी लिखाया 399 मैंबर्स पिछली स्लाइड ते लिखाया ना 399 मैंबर्स भी टोटल किन्ने है 399। हुण सुनो फिर मैं इन्हां दा प्रोसैस भी दिखाई दिंदा अपनी जी सी ए है बच्चो सी ए कदों बन के तैयार हुई जो इन्होंने आपका पहला सैशन स्टार्ट किया आप टिक लावे 9 तो 23 दिसंबर 1946 ये चीज आप याद रखनी है। तो टोटल बच्चों किन्ने सैशन हुए है आप टिक लावे 11 टोटल बच्चों किन्ने हुए है 11 सैशन हुए है जोड़ा फिर अपना 11वां सैशन हुए है ये कदों हुए है 14 तो 26 नवंबर 1949। हुण बड़ा ध्यान दो सीए की पहली मीटिंग कदों हुई है 9 दिसंबर 1946 आही चीज कह रहे हैं आप 9 दिसंबर 1946 सीए की की हुई है पहली मीटिंग हुई है यदा मतलब यह तो आजादी तो पहला होगी मीटिंग। सो पेपर ने जेकर पूछा ये आजादी आपको 47 मिली है भी आफ्टर इंडिपेंडेंस सीए दे किन्ने मैंबर सी उसनु पता लग गया हो बिच मुस्लिम लीग दे मैंबर भी सी भाई फिर जो पाकिस्तान बन गया वो सारे मैंबर फिर उधर भज गए तो इतने मैंबर रह गए फिर 399 तो बाद 299। सो पहले सैशन च मैंबर सी 399 आजादी तो बाद किन्ने रह गए 299 तो जदों आपां अडोप्ट कीता उदों किन्ने रह गए 284। सो तीन तरीके मैंबर याद रखने हैं 399 299 284 ठीक है ना। चलो भी फिर आप पता ही है फिर फाइनली फिर आप बचो की है जशन जशन कि बनाया आप जिदे अपना फिर संविधान लागू किया पर जशन बनाए जाएंगे कादे सोनी है संविधान लागू है पर चक्कर की पै गया हूँ उत जशन कादा बनाना बई प्रोग्राम शरोग्राम कादा होगा पकौड़ा ब्रैड पकौड़ा मस्सी पकौड़ा की चलूगा। फिर इन्होंने सोचा भी जिदे आप संविधान अडोप्ट करना है फिर बच्चो इन्होंने 2 दिन पहला जिदे आप फाइनली साइन किया
ਇਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੇ ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਦੇ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਜਸ਼ਨ? 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਸ਼ਨ ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਸੁੰਨੋ ਕਸੁੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਡਾਂਗੋ ਸੋਟੀ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਦੇ ਅਡੋਪਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਕਦੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ 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 ਝੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਜੁਲਾਈ 1947। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ CA ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆ ਹੁਣ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਾਜ ਨੋਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਬੇਸਡ ਔਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਫਰੋਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰ ਦੋ ਗੋਲਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਦੂਕਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਘੱਟ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਪਊ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਬੇਸਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬੇਸਡ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੁਣੇ ਆ CA ਦੇ। CA ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੁਣ ਮੈਂਬਰ 399 ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਬੇਸਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਖੋਪੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੱਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ, ਝਾਕੀ ਚਲੋ, ਬੈਟਰ ਬੈਟਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਟ ਬੇਸਡ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੀਕਾ ਚੌਕਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਾਂਟ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੜਕਾਤੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ CA ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਬੱਚਾ ਲੋਕ, 399। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ 399 ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੀਟਾਂ 399 ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਹ 'ਚ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਈ ਭੂਤ, ਬਸ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਭੂਤਾਂ ਭਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਓਨਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਡੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ।
क्योंकि बच्चों ये सीटा ना आप वंडिया सी मुस्लिम मानते आप सिख एंड जनरल मुस्लिम सिख एंड जनरल दे विच आपां बच्चों ये सीटा डिवाइड कीतियां सी आपां जिहड़े 399 सुनो मैं सारी हुण वधिया रिवीजन करावां सी ए दी पहली बार डिमांड किहने रखी सी जी एम एन रॉय ने 1934 दे विच यही डिमांड जी फिर किहने अगे वधाई कांग्रेस ने क्यों वधाई जी कांग्रेस अपनी मोतबर बॉडी है जी 1936 दे विच 40 दे विच जी अगस्त ऑफर च गोरियां ने जी एक्सैप्ट कर लिया 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸੀ ਏ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਏ ਦੀ ਜੀ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 399 ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ 1946 ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀ ਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 299 ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਅਡੋਪਟ ਹੋਇਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੀ ਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 284 ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ 22 ਵੈਸੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ 399 ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੋ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਸੋ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪੜਿਆ ਸਮਝ ਗਏ ਸੋ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੱਛਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਈਦਰ 1 ਨੋਰ 2 ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਕੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਕੋ ਏ ਇਸ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਐਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਆਹ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 388 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇਕੱਲੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਐਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੌਂਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਐਂ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਕ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਟ ਸਟੇਟਡ ਦੀ ਫਰ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਸਟੇਟਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਸੁਣਨੋ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੱਚੋ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
सैक्यूलर हो गया। क्या बात है, एक वर्ड होर केड़ा है, इंटीग्रिटी हो गया। ए तिन्ने वर्ड, वेरी गुड वे, ये तिन्ने वर्ड अपने संविधान दे विच 42वीं अमेंडमेंट 1973 दे नाल ऐड कीते गए है। ते रेजोल्यूशन अपना दिसंबर 1940 च आया है, उदो सेशनलिस्ट वर्ड बच्चो नहीं सी। सो जेड़ा अपने जवाहर लाल नेहरू दा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, वो च ना तां सी सोशलिस्ट ते ना ही सी वर्ड अपना सैक्यूलर, समझ गए। सो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपां सॉल्व कीता है, तां ये स्टेटमेंट होगी गलत ते पहली सही है। ते आपां नूं पुछिया वी की है बच्चो सही केड़ी है, तो सही केड़ी है, फिर पहली सही है, वेरी गुड। बाद विच जिन्ने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपका स्कोर जरूर दस्यो कि किन्ने से स्कोर कीते है, पक्का उहदे नाल पता लग जूगा कि वाकई तुहाडी तैयारी किड्डी टॉप क्लास चल रही सी। जे तुसीं वधिया तरीके नाल सारे सवाल, जे तुसीं आह सवाल गलत करता इहदा मतलब तुहानूं हजे तक तुसीं प्रियंबल बंदिआं वांगू पढ़े ही नहीं सी, बस तुसीं फाहा वड्ढी बैठे हो बस तुसीं, ठीक है ना। चलो एक सवाल होर आ गया यार, कहिंदे रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आ सवाल तां वीर बन के मिहनत वाली गल है, आपे ही कर लो यार। कहिंदे आपां असेंबली दे मैंबर चुने सी इनडायरेक्टली बाय दी मैंबर की असेंबली असेंबली, ये तो गलीलियो गलीली वाली गल हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक। जमा सही है, कहिंदे असेंबली आपां आ देखो वर्ड आ गया ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जमा सही वर्ड है। फिर कहिंदे इलेक्शंस होए सी जी हेल्ड ऑन दी बेसिस, हुण आ अक्खर दसो पैगी ना दुश्मनी, गलत है, कोई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं। फिर कहिंदे जी इलेक्शन सारी स्कीम है, मैंबर चुने हैं किने बनाया, कैबिनेट डेलीगेशन आया सी। ये कैबिनेट डेलीगेशन पता क्यों कहिंदी है, जिहड़े कैबिनेट मिशन प्लान दे विच तीन मैंबर आए सी ना, एवी अलैगजेंडर, पैथिक लॉरेंस ते स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीन कैबिनेट मंत्री सी, वो कैबिनेट मिशन प्लान बन गया, तां जमा सही है। फिर कहिंदे सीटां वंडियां सी ना आपां, ये कहिंदे ये किहदे आधार ते वंडियां सी, माउंटबेटन प्लान, बस इहदी कसर रहि गई सी बच्चे इहनूं बाड़ लिया डायरेक्टली इहनूं, ये तो गलत हैगी है, क्योंकि मैं तुहानूं पिछे दस के आया सीटा आपां बच्चो वंडियां सी, बहुत सिंपल अक्षर है पापूलेशन के आधार से। सो आ होगी गलत, हुण तां नहीं सी ए, हले 9वें सवाल ते आपां ते सी ए मेरे हिसाब नाल आपां डन करती जमा, पर कल्ला कमेटी वाला काम रह गया। तो ऑप्शन तुहानूं फिर मैं दस ही दिंदा, ऑप्शन की आऊगा फिर इहदा, एका एंड चौका, नहीं एका एंड तीका हैगा 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 हैगा, मैं कहते काम गलत हो गया। तो आंसर बच्चों की आ गया डी, आंसर की आ गया डी। चलो भी फिर सवाल आ गया, क्योंकि तुहानू पता ही है दो पापे पढ़ने बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक तो पापा अपने मुल्क का फादर कहा जाता है गांधी, एक पाकिस्तान का फादर मुहम्मद अली जिन्ना। पहला तो तुहानू मैं स्पष्ट कर देना चाहुंदा, ये अपन गुमराह करने की कोशिश करनगे सवाल वाले, मैं तुहानू पहले ही क्लीयर कर दिना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैंबर ना तो महात्मा गांधी सी ते ना ही मुहम्मद अली जिन्ना सी, ये दोनों मैंबर नहीं सी, बस सिंपल जी गल है। आप कहते की है, कहते वॉज नॉट पार्ट ऑफ असेंबली, जमा सही है, नहीं सी। दूजा देखो कि इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहते मुहम्मद अली जिन्ना पार्ट तो सीगा कहते असेंबली का, क्या बात है, पर कहते किसी कमेटी का हैड नहीं सी। बच्चा सोचता है भी खौरे मैं ता ही ना पढ़िया हो भी किसी कमेटी का हैड ना हो, मैनू कड़ा हूँ 399 मैंबर पता से, मैं कड़ा अज तक कोई यह जी डॉक्यूमेंट बुक तो आई नहीं जिन्हें अपन सारे 399 के 99 मैंबर पढ़ाए हो। तेन पता है अपने पंजाब तो सी ए का मैंबर कौन सी, दसा कहो पहला कमेंट कर दो, ठीक। चलो मैं ही दस देना, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफर सी बच्चो, अपने पंजाब का 10th CM 1966 के, भी अपने गुरमुख सिंह मुसाफर जी भी अपने की सके कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली के मैंबर से। सो आ स्टेटमेंट गलत है, इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है, बट आप नहीं होवे, बहुत पत्थर देना पिघल देनी। आप 10वीं का पहला आंसर आऊगा पहला 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 पहला, वेरी गुड। आ सवाल बड़ा प्यारा है यार, बहुत डेंजर ची जरा आ सवाल है, बड़ा बच्चे नूं उलझाउंदा है। एक तो होंगे मोस्ट प्रोफाउंड इनफ्लुएंस, एक वर्ड होंगे थले लिखना मोस्ट सिमिलैरिटीज, मोस्ट हुण ये दो वर्ड के आधार पर आप सवाल सॉल्व करना है। जे तो कहते सिंपल सवाल आ गया भी आप
अपने भारतीय संविधान के सब तो डूंगा प्रभाव कि सब तो डूंगा बोला डूंगा मरियाना ट्रेंच तो भी डूंगा प्रभाव कहते कि पै गया आप टिक लावे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यही सवाल मान लो पेपर वाले ने आए पाता घुमा के पाता घुमा के भी अपना संविधान मोस्ट सिमिलर कि फिर आप टिक लावे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये मेरा वीर ध्यान ना सुन लो ये वन लाइनर जे क्वेश्चन जिंदगी तबाह कर देंगे है अक्कड़ बक्कड़ करना पैंदा है ते बक्का पक्का जां तां बच्चा सोचू आहा ते जां सोचू आहा आ तो बस उन्नी जाली ही गल है वे लिबर्टी फ्रैटरनिटी ये डूंगा प्रभाव पै गया कोई मरी जाते हाँ अमरीका तो आप याद रखी लिया आप जो गल करते हैं फंडामेंटल राइट्स की जब गल करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया जो ओवरऑल आप प्रियंबल का कंसैप्ट कह सकते हैं जब गल करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये सारे कंसैप्ट लिखने ना बोली जाना मैं कोई हाँ हर एक चीज़ मैं तो लिखा फिर तो लिखते ही मर जू मैं फिर तो सैशन अपना ये 20 घंटे चली जाऊगा। फंडामेंटल राइट हो गया प्रियंबल हो गया एक आप लिया तो बड़ा घंट प्रोसैस रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज ये भी आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया जो हाँ पहले सवाल से आप जर्मनी तो साउथ अफ्रीका तो आयरलैंड तो की कुछ लिया वो भी याद रखियो समझ गया ना मेरी गल तो सारा कुछ आप पेपर च दिमाग च लैके जाना बस बड़ी सिंपल जी गल है। सो बहुत सिंपल सवाल है ये तो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है तो आ टिक लावे मोस्ट सिमिलैरिटीज़ है आप टिक लावे ब्रिटिश वेरी गुड होए हुण आ गया कम कमेटियां वाला अपने सीए दियां किन्नियां कमेटियां सी बच्चो 22 कमेटियां ये 22 कमेटियां दे विचों तुहानू 10-15 कमेटियां जमा सीधा सीधा दिमाग च फिट होनियां चाहीदियां है सीधा एक नंबर वट ते हुंदा है कहिंदे इहदे विचों किहड़ी कमेटी हैड कहिंदे जवाहर लाल नेहरू सी क्या बात है बई ओए दिस रहा सानू कि मैनू कुछ ऐ तुंदरा लगी जांदा है चक्कर की है कि सानू भी तुंदरा लग रहा होगा ते नंबर नंबर तो नहीं कट गया होर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है यूनियन पावर कमेटी है एक होर लिख देना मेरा वीर स्टेट्स कमेटी है ये तिने कमेटियां दा हैड कौन सी आपां टिक लावांगे जवाहर लाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बचो एदा हैड कौन है आपां टिक लावांगे सरदार पटेल वेरी गुड मैं तुहानूं दसी जाना कमेटियां दा हैड तुहानूं पता होना चाहिए सरदार पटेल होर किहड़ी कमेटी दे हैड सीगा कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनोरिटीज कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरियाज एंड ट्राइब्स वो दोनों कमेटियां दा ते आ तीजी दा सरदार पटेल साहब जी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन पावर है ते स्टेट्स कमेटी है इन्हां तिन्हां दा जवाहर लाल नेहरू है। देखो चार बंदे थम है ड्राफ्टिंग कमेटी सानूं पता ही अगे पढ़ा पढ़ू दूंगा कोई चक्कर वाली गल नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी सब तो मेन कमेटी सी ड्राफ्टिंग कमेटी का हैड कौन है बी आर अंबेदकर। ड्राफ्टिंग कमेटी कदों बनी है 29 अगस्त 1947 सीधा डेट पूछणगे पेपर वाले मैं तो लिखा के ले लो स्टाम लिया कल दूजी गल फाइनांस एंड स्टाफ कमेटी कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्टीरिंग कमेटी ये तिना का हैड कौन है तीन कमेटियां बोल गया मैं ऐं झाक दियो फाइनांस एंड स्टाफ कमेटी कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्टीरिंग कमेटी उन्हां तिन्हां दा राजेंद्र प्रसाद है। सो तीन दा राजेंद्र प्रसाद तीन दा नेहरू तीन दा पटेल एक अपना बी आर अंबेदकर ड्राफ्टिंग 10 तो हो गई 10-15 मैं सानूं कहा सी आपां नूं 7 होर पढ़ लांगे आपां जवाब तो ही शायद मैनूं दस ही दो फिर की है करैक्ट पुछिया आपां नूं। सो करैक्ट बच्चो की है बारहवें का आऊगा फिर मेरा वीर दूका एंड तीका वेरी गुड वे वेरी गुड चलो जी कहिंदे इहदे विचों हुण आ कमेटी नूं लैके बच्चा उलझी जांदा आह प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज इहदा हैड कौन है सरदार पटेल। जे पुछां कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पहली गल थोड़ा चीफ कमिश्नर प्रोविंस वर्ड है ना ये किनू कह रहे हैं जिन्हों अज आप यूनियन टेरेटरीज कहने बचो एदा हैड कौन है क्या बात है उही है जिहड़ा गांधी का उम्मीदवार सी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ 1939 कांग्रेस की प्रधानगी वास्ते
ਤੇ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਪਤਾਬੀ ਸੀਤਾ ਰਮਈਆ। ਪਤਾਬੀ ਸੀਤਾ ਰਮਈਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਆਫ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤਾਂ 22 ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ, ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਓਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਪਤਾਬੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਸ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਜਮਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ, ਨਹਿਰੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਤਾਬੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ। ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਵਾਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਪਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਯਾਰ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਖਰ, ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਡਰਾਫਟ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਭੜਕਾ ਦੇਣਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਡਰਾਫਟ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ। ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਛਤਰ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੈ? 22। ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? 395। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਸ਼ਡਿਊਲਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਜੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਬਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ। 8 ਸੂਚੀਆਂ, 395 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, 22 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 25। ਸੂਚੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ? 12। ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 470। ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੱਚੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਯਾਰ? ਲਿਸਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 28। ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 8। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਾਉਂਸਸ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟਸ ਫਰੋਮ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸੱਚੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਸੌਂ ਖਾਣ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਹਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਸੌਹਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੰਟੇਨ ਓਥ ਐਂਡ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 3 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 12 ਦੀਆਂ 12 ਸੂਚੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 4 ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ,
पांचवी छेवीं सूची फिर सू पता ही है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स वाली है जमा डिटो छेवीं है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सूची नंबर सातवीं वाली कीमती है याद है सूची नंबर सातवीं की कहती है डिवीजन ऑफ पावर पावर की वंड की गई है ये पावर की सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए सब तो बेस्ट कमेटी अपने देश के बनी है वो दस सकता है आप टिक लावे सरकारी आ कमिशन सीधा पूछेंगे चार ऑप्शन देखे सरकारी आ कमिशन शाह कमिशन जे वी पी कमिशन फैजल अली कमिशन आप टिक लावे सेंटर ते स्टेट इन्हें संबंधा लैके कि कमेटी बनी है तो आप टिक लावे आप टिक लावे पढ़ नहीं रहे तुसी आप टिक लावे सरकारी आ कमिशन सरकारी आ कमिशन कदों बनया सी जून 1983 के ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ 1983 ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਏ ਉਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਬੀ ਸੇਵਾ ਰਮਨ ਤੇ ਐਸ ਆਰ ਸੇਨ ਬੀ ਸੇਵਾ ਰਮਨ ਤੇ ਐਸ ਆਰ ਸੇਨ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਏ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ बस सैशन आया ठीक है क्योंकि मैं चाहता मैं इस चीज़ की नफरत जी होंगी है वो बच्चे ऐड जी नहीं आती कई बार ऐड मैं आप देख लग जा मैं आप इरीटेट हो जाता तो मैं सोनू आप दे वांगू ही ट्रीट करता कोई मेरा बड़ा भाई है कोई छोटा भाई है कोई छोटी भैन है कोई बड़ी भैन है अज तक आप इन्हों क्लासा ने अगर ऐड उड सब कुछ बंद किया गया मैं पता नहीं चार पीस देने पता नहीं ना वो जो बेचारे ने मसा मखा पढ़ने का माड़ा मोटा मूड बनाया होगा वो पता नहीं उत्ते किसी जी ऐड आ जानी है उधर गड्डी दब दूगा हुण इह किन्ना तनखाहां दी गल करिए आपां नूं की संविधान च लिखा देण फिर तां गल बणी संविधान च लिखी नहीं मेरी तनखाह इन्हां द सैकेंड शड्यूल कहिंदे की तनखाह की गल करदा है एक तां प्रैसीडेंट की गल करदा जमा सही है बच्चो इहदे नाल गवर्नर भी लिख लो यार लगदे हत्थ ये दोनों आ गए फिर कहिंदे स्पीकर आ गया इहदे नाल यार डिप्टी स्पीकर भी लिख लियो यह तो लिखा रही विधानसभा की गल विधानसभा की हुंदा लैजिस्लेटिव असैंबली हुंदा विधानसभा जिथे अपने MLA बैठते हैं हजे वैसे मैनूं इहो जिहा कुछ दसना नहीं चाहिए हले तक यही नहीं पता भी विधानसभा की होंगी है ये तो हो ही है स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोग सभा भी नाल ही होंगी है फिर अपना कैग आ गया कैग क्या बात है ये भी मैनशनड है फिर कहते UPSC का चेयरमैन यदि बच्चों सूची नंबर दो दे गल नहीं की गई तो जवाब आ गया एकादूका तीका आंसर आ गया इना मीना डीका एकादूका तीका यह बहुत मैटर करता भी संविधान च की लिखे इतने पेपर वाले ने अपनी राय नहीं मंगी होंगी भी थोनू की लगता है जवाब दे दो भी इंडिया की है यूनिटरी है फैडरल है जां कोई वर्ड है पा दे कि मनो आप आपका दिमाग वर्तने बह जाओ ठीक है भी अपना देश आए हैं उन्होंने सोडी राय नहीं मंगी मुफ्त की राय तो उही लेंदे नाले हो दूजी गल जिवें डिटो संविधान च लिखिया उवें पेपर च लिखिया होना चाहिए बस ऐं याद रख लियो सो आंसर आ गया एका दूका ते तीका फिर बच्चों अपनी आ गई छेवीं सूची आ गई मैं थोनू की कहा सीगा छेवीं सूची कहदी गल की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की गल करी गई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की गल की गई है किड़े जिहड़े अपने पछड़े शड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बट नॉर्थ ईस्टर्न दे विच तां सत्त स्टेटा ने सने सिक्किम अठ है वो किहड़ियां वास्ते है असाम मेघालय त्रिपुरा ते मिजोरम पहले ही आ गया AM TM असाम मेघालय त्रिपुरा ते मिजोरम असाम मेघालय त्रिपुरा ते मिजोरम बार बार रिविजन कर लियो थोड़े भी हालात यह जे हो जाएंगे बसा समान बेचन जाया करोंगे ये पढ़ लो चंगे रहोंगे असाम है मेघालय त्रिपुरा ते मिजोरम इन्हां चारां दी गल करी गई है मेघालय त्रिपुरा मणिपुर इतने मणिपुर करके काम गलत हो गया बाकी पढ़ लो इतने फिर मणिपुर करके गलत हो गया इतने अरुणाचल करके गलत हो गया इतने मणिपुर करके भी गलत हो गया पर तुसी गलत नहीं करना यार फिर अपनी आ गई अपनी केड़ी सूची दे विच ऑफिशियल लैंग्वेजेस की गल की गई है आप टिक लावे बच्चो अठवीं सूची पहलियाँ चार आप देख लिया आ अपनी छेवीं सूची है सत्तवीं सूची जी अपनी सत्तवीं सत्तवीं अपनी हैगी है डिवीजन ऑफ पावर डोप शोप डिवीजन ऑफ पावर ते अठवीं केड़ी अपनी लैंग्वेजेस अठवीं देखो एट्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
अज अपने देश कितनियां ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, मैनूं पुछण लगे नूं वी संग आ रही है, बच्चा बच्चा जानदा। 22 अपना संविधान कदों लागू होया बच्चो, देख के दसण हट जाओ, इह मिंटां नहीं गल है। 26 जनवरी 1950 नूं होया जदों अपना संविधान लागू होया, उदों सी बच्चो उहदे विच 14 लैंग्वेजेस किन्नियां सीगियां, 14 14 ते अज किन्नियां ने 22। हुण जे नूं 22 दियां 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस पता है, उह तां टिक ला दूगा, नहीं फिर टेंपू टेढ़ा। पर सुनू सब तो ज्यादा नफरत केड़ी भाषा तो है, कढ़ दो पढ़ास अंग्रेजी नहीं हैगा, बाकी सारियां एक आती का चौका। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज सुनू 22 दियां 22 पता होनियां चाहिए, बड़ा पंगा है ये। जा तुसी जां तां फिर ऐ कर लो, जे मैं करदा हुंदा वी सारी पहला ए बी सी डी लिख लिया करो, जिवें ए ते की है असामीस, वेरी गुड, ए ते हैगी है। फिर अपना की आ गया, बी आ गया, बी ते अपनियां दो है, एक अपनी बंगाली है, एक अपनी बोडो है। कोई याद करन दा सिस्टमैटिक तरीका रखी दा हुंदा, कमल निकुटी दा हुंदा, ए बी, फिर सी ते कोई नहीं, फिर डी ते डोगरी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई ते अंग्रेजी ते है नहीं, एफ ते कड़ी होनी है, फिर जी ते गुजराती है, क्या बात है, ए याद कर लिया करो। ये सुनो मैं सारियां लिखाइया होनगियां, उत्थे रिविजन कर लो, जिन्हें अपना कोर्स अजे तक ले ही नहीं सुखन वाल उन्हां वास्ते लिखी जाने हैं। असामी है, बंगाली है, बोडो है, ए बी सी डी ई एफ जी, एच ते अपनी फिर हिंदी है, हिंदी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई ते कोई नहीं, जे ते कोई नहीं, के ते बावा आ गया यार, कणकनी, कश्मीरी, ऊँ सुन लो यार, कणकनी आ गई, कश्मीरी आ गई, है ना, ये याद रखने आप के ते, एक अद्धी होर भी निकल होगी वैसे, फिर के, फिर एल एम एम, ते फिर चार आ गई, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, फिर एन एन ते नेपाली, एम एन नेपाली, फिर ओ ते उड़िया, एम एन ओ, फिर पी ते पंजाबी, फिर क्यू क्यू ते कोई नहीं हैगी, फिर आर आर ते रुपिंदर आ गया, होर कोई नहीं हैगा, एस एस ते फिर तीन आ गई, वो सिंधी, संथली, वो आ गई, फिर सारिया एस टी टी ते तमिल, तेलगू आ गई, फिर यू ते उर्दू, करतियां पूरियां, बस ऐं याद कर लियो, आसानी ऐं लैणों बाद याद कर लियो, क्योंकि पेपर वाला कोई भी चार ऑप्शन दे के पुछ सकता है। अज अपने देश दे विच किन्नियां क्लासिकल लैंग्वेजेस है, आपां टिक लावांगे 6, किन्नियां क्लासिकल है 6, पहली कड़ी है तमिल, वेरी गुड, दूजी कड़ी है, टिक लावांगे संस्कृत, तमिल है, संस्कृत है, ओ वेरी गुड ओए, फिर तेलुगू है, फिर कन्नड़ है, कन्नड़ कन्न कन्न, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगू है, कन्नड़ है, मलयालम आ गई, फिर बच्चा अपनी आ गई उड़िया, वेरी गुड यार, तमिल, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये अपनिया बच्चों 6 क्लासिकल है। पहली क्लासिकल आपां कदों डिक्लेयर की 2004 दे विच, ये पेपर वाला सीधा साल पुछ सकता है, किन्नियां अज ऑफिशियल है वह भी याद रखांगे। सो एक सवाल पेपर वाला किदां मर्जी पुछ सकता है, तुहानू 9 वर 9 तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना, ओ वेरी गुड, ओए क्या बात है, दबी चलो बस। आ गई फिर सिंधी, कहिंदे जिहड़ी मैं तुहानू की कहा सीगा वी जदों अपना संविधान लागू होया उदों किन्नियां सीगियां 14, अज किन्नियां ने 22, कि इहदा मतलब बाद विच किन्नियां ऐड होईयां 8, ते जिहड़ियां फिर बच्चों ये बाद विच ऐड होईयां ना, इन्हां ने अपना वाधा वधाता, बलाई वाधा वधाता इन्हां ने अपना, क्योंकि आपां नूं याद करनियां पैणगियां। पहला बच्चों ऐड होगी सिंधी, बहुत ध्यान नाल सुनना, मैं तुहानूं पहला भी कहा है, जिन्हां नूं आउंदा है डबल दी स्पीड ते करके चुप करके देख लो, छड्डना नहीं, पर वड्डू मन सिंधी है। फिर अपने कणकनी आ गई, मणिपुरी आ गई, नेपाली आ गई, है ना, कणकनी, मणिपुरी, नेपाली, फिर आ गई मैथाली, बोडो, डोगरी, संथली, ये आपां बच्चों याद रखनी है। जिहड़ी अपनी सिंधी है, सिंधी सिंधी कदों ऐड हुई है, 21st अमेंडमेंट 1967, आ तिन्ने कदों हुई है, 71st अमेंडमेंट 1992,
आ चारे कदों हुई है 92 अमेंडमेंट 2003 ते अमेंडमेंटा दे नंबर देखो किन्ने प्यारे है बड़ी प्यारे है ना आ देखो 21 ते 71 किन्ने होंगे 92 ते आ 92 वाला आ साल आ गया ऐ पूरा बना रखा सिरा सिस्टम यार सिंधी है कणकनी है मणिपुरी है नेपाली है मिथाली है बोडो है डोगरी है संतरी है ये सारिया बाद चढ़ हुई है कि पूछी आप सिंधी सिंधी कदों ऐड हुई है 1967 हुई है ओ वेरी गुड ओए 1967 कड़ी ऐड हुई है सिंधी वाओ यार याद करना है प्रियंबल आ गया भी प्रियंबल सू पता है पहली गल तो प्रियंबल जे मान लो पेपर सवाल आ गया यार भी प्रियंबल केड़ी भाषा का वर्ड है आपां की टिकलावांगे बच्चों ए हैगा लैटिन भाषा का वर्ड प्रियंबल केड़ी भाषा का वर्ड है आपां टिकलावांगे लैटिन भाषा का वर्ड है जिहदा मतलब की हुंदा है इंट्रोडक्शन प्रियंबलस प्रीफेस इंट्रोडक्शन सुपर डुपर च वधिया आपां डिस्कस बहुत थावां ते कीता होया है इत्थे बस दा हुण सवाल ते आउणा है वो भी जबरदस्त वाला हाँ कहिंदा अपना प्रियंबल प्रियंबल की है पांच अक्षर आते हैं सब तो खतरनाक वाली सॉवरन सोशलिस्ट सैक्यूलर फिर अपना आऊगा डेमोक्रेटिक फिर अपना आऊगा रिपब्लिक ये पंजे वर्ड पहली गल तो सोनू पेपर वाला अरेंज करने वास्ते ही पा सकता है याद रखियो हाँ शुरू अपना प्रियंबल उम्मीद होंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलमली रिजॉल्वड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू सॉवरन सोशलिस्ट सैकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरन सोशलिस्ट सैकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाकी म्यूजिक दे नाल खड़ा तो बनाया पूरा उदू फिर की आता है जस्टिस फिर की आता है लिबरिटी फिर की आता है इक्वालिटी फिर की आता है फ्रैटरनिटी लिबरिटी इक्वालिटी फ्रैटरनिटी इस लैंच की आता है इंटीग्रिटी सो ये अपना संविधान मोटा मोटा आप याद करना है रही गल वर्ड की जो सॉवरन वर्ड है सॉवरन रिपब्लिक लिबरिटी इक्वालिटी फ्रैटरनिटी ये पंजे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन जस्टिस वर्ड रशियन रेवोल्यूशन आर 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 होगी रशियन रेवोल्यूशन तो की लिया आप जस्टिस सॉवरन हो गया रिपब्लिक हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन है लिबरिटी इक्वालिटी फ्रैटरनिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन है सोशलिस्ट हो गया सैकुलर हो गया इंटीग्रिटी ये तिने कदों ऐड किए आप 42वीं अमेंडमेंट 1976 हूँ आप सवाल से वापस आए हूँ सवाल आप खतरनाक लैवल वाला सॉल्व करना है आ सिंपल लैवल है कहिंदी अपना जो प्रियंबल है वह पढ़ता प्रिय सॉवरन आ देखो प्रियंबल डिकलेयर्स इंडिया सॉवरन कहिंदे सॉवरन का मतलब की हुंदा हूँ आप कल्ला ट्रांसलेट नहीं करना मूसे वाले दे लास्ट गाने दे विच उन्हें वर्ड यूज किया वे जिन्ना चिर सानू सॉवरेनिटी का राह नहीं दिंदे पानी तो छड्डो टपका नहीं दिंदे तो सॉवरेनिटी का मतलब की हुंदा है प्रभु सत्ता संपन्न प्रभु सत्ता संपन्न इहदा मतलब की हुंदा है इहदा मतलब ये हुंदा है भी आपां अज आपदे मुल्क दे फैसले आपे लैने हैं किसे दे दबाव हेठ नहीं लैंदे अपने तो कोई एक्सटरनल फोर्स काम नहीं कर रही आपदे अंदरूनी फैसले आपे लैने हैं चाहे आपां किसी होर मुल्क नाल कोई संबंध रखना होवे वह भी फैसला आपां आपदा आपे लैने हैं अपना देश की है सॉवरन अपना देश की है सॉवरन आ देखो कहते इट मीनस इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटर बस फिर आही तो बन गई गल होर आप पालते हैं कहते ये फ्री है टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटरनल अफेयरस क्या बात है ये आप याद रखना है फिर कहते अपने देश कहते एबसेंस ऑफ रेस्ट्रेंट है ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल पहली गल तो इतने पंजाबी पढ़ते हो पंजाबी हो पंजाबी व्यक्तियां दियां गतिविधियां ते पाबंदियां दी अनहोंद है पहली गल तो इतने गल की हो जाती है इतने गल हो रही है लिबरटी की आ लैन किनू दर्शा रही है आ लैन दर्शा रही है लिबरटी को इतने पेपर वाले ने पूछा आप लिबरटी पर आप क्यों उलझी आने यार भी सही है गलत है क्यों उलझी आने आप वर्ड की गल कर रहे लिबरटी की सॉवरन आप दस ही दिता गलत होगा
मरी जाते हैं। यह सॉवरेनिटी दे नाल की संबंध है? फिर कहिंदे एनी इंडियन नागरिक, कहिंदे कोई भी अपना राष्ट्रपति बन सकता है। हुण स्टेटमेंट च कोई नुक्स नहीं, मानता ना सही है, बट स्टेटमेंट किहदी है? यह तो रिपब्लिक का मीनिंग हो गया। ये बच्चो रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग है ना, ये तो रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग है। अगेन की आपको रिपब्लिक का मीनिंग पूछे? आप सॉवरन का पूछे। सो कला पहला अपना फिर जवाब आ गया। ये सारे सिरे के सवाल आप याद करने हैं। सॉवरन का मतलब की होंगे? आ होंगे पहला, ये अपने अंदरूनी ते बाहरी मामलों को चलाने लिए आजाद है। जो मूसे वाले ने पंजाब दे लई गल कीती सी, जिन्ना चिर सोवरेनिटी का राह नहीं देंगे वो तवाल बनाया सू मैं सोवरन वाला मन के ना। अगला पॉइंट मैं फिर आखी जाना, सैशन नू रास्ते में मत छोड़ना, बड़ा पछताओगे। कमेंट भी जरूर करना, हर एक बच्चे ने कोशिश करना भी हर एक ग्रुप के इस वीडियो शेयर करना है भी पूरे पंजाब के कोने कोने तक तुम इस वीडियो में लैके जाना है। फुल इंटेंसिटी नाल, फुल एनर्जी नाल क्लास चलूगी, बेफिक्र हो जाओ। चलो जी अगला क्वेश्चन, कहिंदे प्रियंबल, प्रियंबल कहिंदे अपना किवें स्टार्ट हुंदा है? प्रियंबल सानूं पता ही है अपना स्टार्ट हुंदा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, पटतियां तारा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो पहला तो पता ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया आऊगा। अच्छा ये तो बाद इन्होंने एंड पूछा, एक तो हुंदा प्रियंबल का स्टार्टिंग हो गया वी द पीपल, एक थले एंडिंग। सो इन्होंने स्टार्टिंग ते एंडिंग पूछ ली प्रियंबल दी, आ तो स्टार्टिंग तो गलत ही है वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आ दो तो हो गए रेस चो बाहर, जेडे रेस चा फिर लियाओ 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 वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहते अडोप्ट इनैक्ट एंड गिफ्ट टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आ सही है कि एंड अपना ही होंगे इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ज्यादा नहीं जचता क्योंकि अपना संविधान तो इन्होंने बनाया। हाँ कि वास्ते बनाया है? वो अपना स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड आंसर आ गया डी। तो पहला भी रेस हो गया बार, तो चौथे नंबर वाला जित गया, क्या बात है। यदा मतलब कोई भी जित सकता है, कोई है नहीं अज मूहरे है, पहला जवाब है भी हमेशा यही जितूगा। तुम भी जित सकते हो, पॉलिटी अज भी पूरी कर सकते हो, घबराओ ना, पेपर च बड़े दिन पए है, आराम ना रिविजन हो जूगी आराम ना, ठीक है ना। सो आ हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो आ बच्चो हो गया अपना एंड वाला पॉइंट। वेरी गुड, कहिंदे अपने संविधान दे विच सैकूलर वर्ड किन्ने वारी आ गया, बड़ा खतरनाक वर्ड है। कहिंदे जिस देश दे विच आपां कोई धर्म की गल नहीं करनी, सैकूलर का मतलब हुंदा है जिस देश का कोई आपका ऑफिशियल रिलीजन ना हो। क्या बात है यार, है ना, जो संविधान के अकॉर्डिंग वाकई मुल्क अपना चले यार तो बाबे अमरीका ही है, पर सरकार आप नहीं चलन दिंदियां, सरकार वोटा किमें, लीडर वोटा किमें पैणगियां जिन्ना चिर धर्मां की गल नहीं हुंदी। तो कहिंदे अपने संविधान च दसो फिर किन्ने वारी आउंदा है कोई आइडिया? एक बार तो वो हुणी पढ़ के आए हैं सोवरन सोशलिस्ट सैक्यूलर, एक बारी तो आ गया प्रियंबल च, ए सोच लो ना एक बारी तो आ गया, बाकी मैंने कड़ा संविधान सारा आंदा है, कितना कितने होर भी आ गया होगा। आंसर टिक ला दो, दो बट ए सोच के ना लाओ वीर बन के। हाँ सही है, इतने अपना आंसर दो ही आऊगा, एक तो बच्चों है गया प्रियंबल एंड दूजा फिर अपना की आऊगा बच्चा लोग, एक अपना प्रियंबल है तो दूसरा आर्टिकल नंबर 25। हुण लै गया ना सीधा आर्टिकल नंबर 25 ते गड्डी नूं, आर्टिकल नंबर 26 दा की मतलब है? क्योंकि ये अपना बच्चों संविधान दा जिहड़ा पार्ट नंबर 3 ना, जिहनूं आपां की कहने हैं फंडामेंटल राइट्स, जिहनूं बच्चों आपां की कहने हैं फंडामेंटल राइट्स। किन्ने आर्टिकल है? 12 तों लैके 35, समझ के कुछ समझ रहे हो? तो कुल मिला के ए अपना होंगे राइट टू रिलीजन का कॉलम, राइट टू रिलीजन का कॉलम है। सो अगे पढ़ाऊंगा मैं फंडामेंटल राइट, बेफिक्र हो जाओ। 25 तो लैके 28 ए गल की गई है सैकूलर वर्ड की। सो 21वां सवाल अज की क्लास का सब तो सिंपल है, जेकर आप
सब तो टफ है जेकर नहीं आता कोई सवाल ही आ रहे भी आर्टिकल नंबर पूछ रहे सारे आर्टिकल मैं टिप्स से करी फिर अगर सैकुलर किन्ने बार आए पेपर शट कर दे लाओ भी कहते जो विद रैफरेंस टू प्रियंबल की गल करनी है प्रियंबल का फटा चक लेंगे आप कहते फ्रेंच कंस्टीट्यूशन है ना कहते पहला संविधान से जो प्रियंबल ना चलिया है महाग पाउड़ी है महाग पाउड़ी दुनिया का सब तो पहला संविधान किने लिखा है अमेरिका ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन किड़े साल लिखे है 1789 फ्रेंच गलत है फिर कहने अपना प्रियंबल सीगा बच्चो ये कहते अडोप्ट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो जमा सही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया सी वो अज ही पढ़े है घोग्यो जवाहर लाल नेहरू उ अपना प्रियंबल बन गया पर ये नहीं टलते कहते अंबेदकर खड़ जो उसू मैं दस दें नेहरू आऊगा इतने प्रियंबल फिर उसको पता ही है ये अपने सारे संविधान का सोर्स है चिट्ठा भी जिद को भाई सारा संविधान पढ़ने का टाइम नहीं है वो कला प्रियंबल पढ़ लो जिम्मे थोड़े को मान लो हम रिविजन करने का टाइम नहीं है पॉलिटी का तो अपना सैशन ला लो सो गल तो एक ही है यार तो सही जवाब फिर बच्चों की आऊगा प्रियंबल रिवील्स द सोर्स अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी गुड वे आंसर आ गया सी तीजा जिसन ए लगता ना मैं माड़ा जूम करदा सवाल जूम कर देना होर पंजाबी इतने स्क्रीनशॉट लैके सॉल्व कर लियो ठीक है ना वधिया आ गया ना हुण तां गुड आ गया चलो भी प्रियंबल दे रिगार्डिंग ही फिर आ गया ओए कहिंदे इह अपने संविधान दा पार्ट ही नहीं मारो मुक्का इहनां दे ते आपां घंटे दे फिरूं ही पढ़ी जांदे आ छेवां सवाल अपना आ गया प्रियंबल दा इह कहिंदे संविधान दा पार्ट नहीं गलत है हाँ तीन केस हुए सी अपने बच्चों प्रियंबल दे रिगार्डिंग वह तीन केस कि है बेरूबरी केस है केशव नंदा भारती केस है के बी सी बन गया के बी सी क्या बात है आ केस अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज 60 73 फिर एक बच्चा अपना होया सीगा एल आई सी केस ये 93-95 जो है सी चेक कर लेंगे आप जिहड़ा बच्चो बेरूबरी वाला केस आ ना इहदे विच कहा सी सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रियंबल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर उन्होंने सोचा भी गलत कहता वो ये तो गत्ता हुणे पट देणगे फिर वह कहिंदे भाई नहीं इन्हां दोनों केसां दे विच सुप्रीम कोर्ट ने आपका डिसीजन ओवरटर्न करके कहता कहिंदे प्रियंबल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आंसर की आऊगा फिर रोंग कहिंदे इहनूं आपां अमेंड नहीं कर सकते तो पिछे आपां तीन अखर फिर उ रात नूं लिखिआ घरे उन्हां दे जाके रजिस्टर च वो अमेंडमेंट ही कीती सी आपां जमीन संघ मन दे कहन लगे आपां 42वीं अमेंडमेंट 1976 ये प्रियंबल दे विच पढ़दे नहीं आपां इन्ना कुछ कीता 42वीं अमेंडमेंट ने भचाल लिआंदा है फिर कहिंदे ना ये नॉन जस्टिसीएबल है जिहड़े कहिंदे इहदीआं प्रोविजनां ने ना ये कहिंदे कोर्ट दे विच जमा सही है यार मसां सही मिली है वे मेरा तो मन जिहा खराब होण लग गया सही किवें मिली है क्योंकि जिहड़ा बच्चो इनफोर्सीएबल है ना वो अपने संविधान का कला पाठ तीजा है जिहदा नाम की है अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अज तो बाद याद रखना है कले फंडामेंटल राइट्स अपने संविधान दे विच की है आपां टिक लावांगे एनफोर्सीएबल किहड़ा कलावांगे आपां एनफोर्सीएबल तो तीजा बच्चो फिर अपना सही जवाब है आंसर फिर की आ गया थ्री ओनली क्यों मजा आ रहा है मैं फिर आखी आना यहो जे पार्ट बड़े आप अपलोड कर देंगे बट कमेंट एक बार जरूर करना है शेयर भी जरूर करना है बाकी भी दस दो चक्कर वाली गल नहीं लाइव भी एक अद्धा रख देंगे क्योंकि पहले बच्चा पढ़े थली वीडियो अपलोड किए से काफ़ी बच्चों ने लाइव भी कहा कि तो आपका निराश हो जाए कि साड़ी सुनी नहीं असी तो भी डिसलाइक करांगे वैसे अजक डिसलाइक वाला शो नहीं होंगे ना लाइक वाला शो होंगे तो लाइक वाला बटन नप सकते हैं जो थोड़ा इरादा जहा हो कहते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहते जोड़ा अपना प्रियंबल दे जस्टिस वर्ड आता ना कहते आप स्पेन तो लिया बच्चे स्पेन वाड़ लो कल बच्चे बुल वाड़ लैन गए हाथी वाड़ लैन गए
ਜੇ ਉਸਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਵਰਨ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਿਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਟੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਪੈਰਾਨੋਪੂਤ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਅੰਬਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਓਨਲੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੱਚੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਈਦਰ ਵਨ ਅਤੇ ਨੋਰ ਟੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਬਣਦੇ ਦੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਿਮ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲਾਈਵ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ 35ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿ 36ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਰ ਯਾਰ ਐਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਲੇ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ 36ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰਾ ਤੇਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਿਮ ਪਾਰਟ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਿੱਕਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ 35ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਗੋਆ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜੀਨੀਅਸ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ 10ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1961 12ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1962 ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸੋ ਹੁਣੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਟਰਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਏਕਾ ਦੂਕਾ ਤੀਕਾ ਏਕਾ ਦੂਕਾ ਤੀਕਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡੀ 1 2 3 ਡੀ 1 2 3 ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਹਿਮਾਚਲ ਮਣੀਪੁਰ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਆਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਰਟ ਰੱਟ ਲਿਓ ਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
1960 दे, फिर दादरा एंड नगर हवेली 1961, फिर गोवा दमन दीव 1962, पुडुचेरी 62, नागालैंड 63, हरियाणा हिमाचल चंडीगढ़ 66, फिर 72 हुआ अपना बच्चों मणिपुर 53, मेघालय फिर 1975, सिक्किम है फिर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ते गोवा 1987 है, फिर छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ते झारखंड 2000 है, फिर 2 जून 2014 तेलंगाना है, फिर 2019 जम्मू एंड कश्मीर ते लद्दाख है, फिर 2020 दे दमन एंड दीव दादर नगर हवेली सरकार ने एक बनाता। चार्ट कर लो याद, सारे को लिखाया गया है भी हिमाचल प्रदेश किन्नवी स्टेट है, हरियाणा 17वीं है, जिवें हिमाचल अपनी 18वीं है, सिक्किम बड़ी ज्यादा कीमती है, वैसे मैं तो सारे लिखाए हुए हैं, सिक्किम अपनी 22वीं है, तो गोवा बच्चों अपनी 25वीं स्टेट है। वो सारे पॉइंट याद कर लो, ये सवाल बन का पूरा चांस हों। क्या बात है भाई, क्या बात है, चुनिया फिर कुछ। महाराष्ट्र तो केरला तो मूहरे आ ही नहीं सकता, आ भी गलत है, आ भी गलत है। हिमाचल प्रदेश मणिपुर आ 1971 है, आ 1972 है, आ 1960 है, आ 1956 ची बन गई सी। तुम मैं 56 की सारी गेम भी दसूंगा, हजे हौसला बनाई रखो। आंसर मिल गया बच्चों सी, केरला महाराष्ट्र हिमाचल ते मणिपुर। आंसर बच्चों की आ गया सी, वो समझ गए ना। 18वीं स्टेट केड़ी है बच्चों, हिमाचल है, सिक्किम अपनी 22वीं है, गोवा अपनी 25वीं है। सारा कुछ डन ना बाबे, सारा कुछ इधरले पासे क्यों आने लग गया यार, इधर जा चंबड़ी जाते हैं। वैसे मैं कुछ कुछ कहना नहीं था, कहते किने कहे भी इंडिया कहते इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेटा मारते। आप आर्टिकल नंबर 3 पढ़ते होंगे ना, याद करो आर्टिकल नंबर आप 3 की पढ़ते हैं, भी अपने मुल्क के जो स्टेटा ने, चाहे वह पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कुछ मर्जी है, कहते अपने मुल्क के स्टेटा कदों भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब इन्हों का एरिया कदों मर्जी घटाया जा सकता है, कदों मर्जी वधाया जा सकता है। यदा मतलब ये तो सेंटर की रहम से खड़िया है, जिदे उन्हों का मूड जहा खराब हो गया वो आपां नूं चाके परा मारनगे। ये लैन कहिंदे किने बोली है, जिहड़ी कहिंदे अपनी यूनियन आ ना, ये कहिंदे इनडिसट्रक्टेबल है। इनडिसट्रक्टेबल का बच्चों मतलब की होंदा है, यूनियन नहीं अपनी कहिंदे टुटदी, स्टेटा टुट सकदियां, ये अंबेदकर साहब ने कहा। आपां कमेटियां बाकी सारे दियां पढ़ लईआं, अंबेदकर केड़ी कमेटी का हैड सी बच्चो? वैसे मैं बोल तो दिता सीगा, एक बारी होर सही, ड्राफ्टिंग कमेटी का बच्चो। ड्राफ्टिंग कमेटी का BN राव की है, अपना संविधान किने लिखिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। संविधान लिखण वास्ते कोई नाल सलाहकार भी चाहिदा है, सलाहकार का मतलब की हुंदा है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन सीगा? टिक लावांगे BN राव, सिद्धा पुछणगे बच्चों भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन सी बच्चों? आपां टिक लावांगे BN राव। फिर राजेंद्र प्रसाद, फिर सानूं पता ही है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेजीडेंट सीगा, ये अपने मुल्क का भी अगे जाके पहला प्रेजीडेंट ही बन गया। प्रसाद साहब सारे मुल्क नूं वधिया प्रसाद वंडूगा, बस ऐं याद रख लियो, ठीक है ना, राष्ट्रपति है। चलो भी कहिंदे इहदे विच्चों सही चुनो। हुण सवाल थोड़े अगे टफ लैवल दे आउणे स्टार्ट हो जाणगे बच्चों, सो सीट बैल्ट कस लो आपदी। कहिंदे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, पहली गल तां कहिंदे शोषण, शोषण दे विरुद्ध अधिकार, ये बच्चों कहिड़े आर्टिकल है? ये तो अपने आर्टिकल नंबर 23 ते 24 है। इन्हां रौला पाउण की गल है, सब ये फंडामेंटल राइट है, जमा सही है, ये अपने संविधान के पार्ट नंबर 3 दे विच है। फिर कहिंदे इक्ुअल पे फॉर इक्ुअल वर्क, याद आ गया? मैं क्लास कराया
दीपिका पादुकोण वाला केस, जिन्ना पैसे एक्टर लूगा उन्ने पैसे एक्टर नहीं लूगी, वध देने का हक बनता है लोग देखण का, फिर एक्टर नहीं जाते है वध पैसे एक्टर ले जाता है। इको ये कि आर्टिकल है ये बच्चों 39 छोटी डी आई चीज याद रखनी है, ये कहते फंडामेंटल राइट है, ये तो पार्ट नंबर चौथे दे विच आऊगा ना, क्योंकि पार्ट चौथे दे टोटल किन्ने आर्टिकल है 36 तो लैके 51 पार्ट नंबर चौथा जिहदा नाम की है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, समझ गए। तो सारे पॉइंट बच्चा आप याद रखने हैं, सारे तक केड़े है दो ही याद रखने हैं, बट समझ लो हुण पार्ट तीजा ते पार्ट चौथे दी हुण जंग स्टार्ट होण जा रही है। टैं 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 पूछा की इत्थे सही पूछा है, करैक्टली मैच, पहला आ गया दूजा गलत है, क्या बात है, पहला सही है दूजा गलत है, सो ईजी। लैट्स गो गां, कहिंदे अपने मुल्क मैं सानूं हुणी की दस के हटे हैं भी अपने मुल्क दे विच स्टेटां कदों मर्जी ढह ढेरी कदों मर्जी ढा सकदे आ, कदों मर्जी स्टेटां खत्म हो सकदियां हैं, कदों मर्जी सानूं स्टेट दिसणों हट सकदी है, जिवें मर्जी दिसणों हट गई ना दिखण आ गई स्टेट दुबारे। कहिंदे एक बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन इंडिया, कहिंदे पार्लियामेंट ने नवीं स्टेट बनाउणी है यार की करूगी उह, बाला ना उलझण दी लोड़ नहीं, पेपर च बहुत तेज नहीं बनना, टू थर्ड सिंपल मेजोरिटी आ जी, सिंपल मेजोरिटी बस काम निबड़ गया, सिंपल मेजोरिटी लियाओ कुछ मर्जी करो काम निबड़ गया। ये आर्टिकल नंबर तीजा ही फिर हो गया यार, ये आर्टिकल नंबर तीजा हो गया ना भी, न्यू स्टेट बनाने कुछ मर्जी सिंपल मेजोरिटी, कोई टू थर्ड नहीं, कोई रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट नहीं, कोई प्रेजेंट एंड कुछ नहीं यार, नहीं चक्कर च पैना आप बिना गलो। फिर इधर आ गया ये मैं ना सीधे करने पैणगे यार JVP कमेटी। हुण देखो हुण आपां थोड़ी कहानी बैक लैके जांदे आं, अज अपने देश दे विच किन्नियां स्टेटां बच्चों 28 स्टेटां, अज अपने देश किन्नियां यूनियन टेरिटरीज है बच्चों 8। ये तां अज है जदों अपना मुल्क आजाद होया उदों किन्नियां सी, हो गए ना उड़ गया फौज, जदों अपना मुल्क आजाद होया उसने अपने देसी राज्य दियां रियासतां उदों आपां नूं पता ही है अपने देश का पहला होम मिनिस्टर, अपने देश का पहला डिप्टी प्रधानमंत्री, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, उन्हें फिर आपकी अग्रैसिव पॉलिसी दिखाई, राज्य भड़का भड़का ठोकी तुरी गया, उन्हें फिर सारा देश मसां धक्के नाल जोड़िया, जां आपां कह दिंदे आ उन्हें फिर सारा देश अपना चार पार्ट च अपना डिवाइड करता, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी, फिर आप इंडिपेंडेंस डे आकर सैलीब्रेट बना स्टार्ट करता, क्योंकि फिर हले मुल्क ने मसा आजादी ली सी। चलो ठीक है तेरह पार्ट बनाते सरदार पटेल ने काम नबेड़ता वधिया मुल्क चल गया, बट आउंदे साल ही अगां लगन लग गईआं भी भाई सानू अड स्टेट का दर्जा दिता जाए, आ विच की काला माला करी जांदे आ सानू समझ नहीं आ रही, क्योंकि साउथ इंडिया दे विच जबरदस्त कसमान पै गया, रवा लप्पा पै गया, उत्थे स्टार्ट हो गया क्योंकि सारे पार्ट च घसमान पई जांदा, उत्थे आई नहीं पता कि भाषा बोली जांदा है, क्योंकि साउथ इंडिया दे विच तां 15 किलोमीटर बाद भाषा बदल जांदी है, तो जो रौला पूरा वध गया लोग मरन लग गए, अगां अगां लाई जांदे आ लीडर, धरनियां दे लीडर, कांग्रेस दा एक महान लीडर सी पाउटी श्री रामा मुल्लू, वह मरन वरत ते बैठ गया सी आजादी तो बाद कि सानू दुबारे बंडवाड़ी, सानू तां अड भाषा के आधार पर तेलगू स्पीकिंग पीपल वास्ते आंध्रा स्टेट चाहिए है, चाकड़ो। फिर सरकार ने पता की बनाई, आहा बनाई उही गल फिर चाह बनानी है, सरकार ने की बनाई JVP कमेटी, सरकार ने बच्चों की बनाई JVP कमेटी बनाई सरकार ने, फिर इस मुद्दे का हल कढ़न वास्ते भी ठीक है आपां फिर देश नूं सारा दुबारे देखते हैं की करना है, ये कमेटी 48 बनी है इंडस्ट्रलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंगुइस्टिक बेसिस, वेरी गुड, ना ही रेजर्वेशन का मुद्दा ना ही नैशनल लैंगुएज का मुद्दे वास्ते बनी है JVP कमेटी, बनी है 1947 च, एक कमेटी अदू पहला भी बनी सी SK धार कमेटी, पहला तो आ 1928 साल के SK धार June 1948 के, दोनों कमेटियां बिठाई सगिया इसे मुद्दे का हल कढ़ने वास्ते
ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ CA ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਨਾਮ ਨਾ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਤਾਰ ਵੀ ਲੂਗਾ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆ, ਉੱਤਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ ਉੱਤਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ 6 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੌਂਡੀਚਰੀ, ਬਥੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੌਂਡੀਚਰੀ ਪੌਂਡੀਚਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬੋ ਤਾ ਨਾ ਪੌਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੌਂਡੀਚਰੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਡੂਚਰੀ। ਉਹ ਪੌਂਡੀਚਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਡੂਚਰੀ। ਇਹ 2006 'ਚ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, 7 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ, ਉੜੀਸਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉੜੀਸਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਰੋ ਫਿਰ ਯਾਦ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਬੱਚੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਕਲੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਬੱਚੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਟਰੈਵਨ ਕੌਰ ਕੋਚਨ ਬੱਚੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕੇਰਲਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਟਰੈਵਨ ਕੌਰ ਕੋਚਨ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਸੂਰ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਸੱਚ ਹਾਂ ਓਏ, ਆਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਏ 69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1991, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ ਬਣ ਗਈ NCR। NCR ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ NCT ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਊਂ ਇੰਨਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਟੀ ਦੇਖ ਕੇ। NCR ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ। NCT ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ, 6 'ਚ ਪੌਂਡੀਚਰੀ ਬਣਿਆ ਪੁੱਡੂਚਰੀ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, 7 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਉੜੀਸਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। 18ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ। 22ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੱਕਮ ਹੈ। 25ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੋਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਬੱਚੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂ, ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਵੰਡੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ SK ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ JVP ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢਤਾ, ਡਾਂਟ ਨਿਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇੱਦੂ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਓਏ ਸਾਂਭੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਤਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਠਾਇਆ? ਸਟੇਟ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਫੈਜਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੋ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫੈਜਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਫੈਜਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਟਲ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹੈੱਡ ਕਿਹੜਾ? ਫੈਜਲ ਅਲੀ, ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ?
एच एन कुंजरू, ते दूजा बच्चा अपना आ गया के एम पानीकर। एच एन कुंजरू ते के एम पानीकर इन्हां तिन्नां नूं फिर आपां सारा देश फड़ाता बिचा कड़ी, सारा देश द्वारे जोड़ो द्वारे बनाओ, ते कुल मिला के फिर इन्हां ने पास किया बच्चो स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956। वाओ, आजादी दे 9 साल बाद जदों फिर ये एक्ट पास किया गया, ये बच्चो फिर 14 स्टेटा ते 6 की बनातियां यूनियन टेरिटरियां। सो ये पॉइंट याद रखना है, ये सब तो सिरे का पॉइंट है, ते आप पहलियां ने 6 यूटियां ने ये तुहानूं पता होनिया चाहीदियां। पेपर वाला 4 ऑप्शन दे के बिल्कुल सिद्धम सिद्धा पुछ सकता है, तुसीं ते कट्ठे होई जाओगे। ये पहलियां 6 यूटियां किहड़ियां ने, दिल्ली ये शांट लोंगे, अंडेमान ते निकोबार ये भी शांट लोंगे, ते बाकी 4 किवें छांटोंगे, मैं किहड़ा उत्थे नाल बैठा होऊंगा, याद कर लियो। हिमाचल प्रदेश पहला यूटी बनाई सी 56 दे विच, है ना कमाल जमी यार। मणिपुर ये भी पहला यूटी सी, आदा जमी कमाल होगी। त्रिपुरा उत्तरी दी त्रीजी त्रिपुरा भी है, छेमी तां बाली कैंट है, लक्कदीप कौमा अमन दिवी, ये नाम चली आंदा हजे, बस बोर्ड मुक्कण वाला है, ना नहीं मुकदा। ते मिनी क्वाय आईलैंड, ओ वाह पुत्रा, ये अपनिया 6 पहलियां यूटियां ने। पर तुसी कहंदे होगे सर जी पहलियां 5 तां ठीक है, छेमी हजम नहीं हुई, की है लक्कदीप अमन दिवी मिनी क्वाय। सरकार ने फिर इसे दा नाम 1973 दे विच नाम करता सी बच्चो लक्षद्वीप। वाह वाह, ये जी जा रखनी है, तो सारे पॉइंट जा रखने हैं स्टेटां दे रिगार्डिंग। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, सिंपल मजोरिटी है, किहड़ी स्टेट कदों बनी है, कदों रीनेम किया गया, किहड़े किहड़े कमीशन बने है, एस के धार कमीशन, JVP कमीशन, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन, 53 दे विच कमीशन बैठा है, 56 च एक्ट पास किया है, जदों एक्ट पास किया है 14 बन गईयां स्टेटां, 6 बन गईयां यूटियां। अज किन्नियां स्टेटां ने हो गईयां डबल, वाओ 8, ते किन्नियां यूटियां ने 28, ते किन्नियां यूटियां ने 8। सो ईजी, वेरी गुड। अगला पॉइंट कहिंदे जिहड़ा पंजाब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इत्थे डिस्कशन नहीं करना चाहुंदा, नहीं करना चाहुंदा मैं डिस्कशन भी। पंजाब सानूं पता है 66 दे विच पंजाब बेचारा, पंजाब तां कला पंजाब है जिहड़ा आजादी तो बाद सूंगड़दे ही गया बेचारा, किसे समय कला पंजाब ही दींदा सी उह नक्शे ते, अज दूरों 10 मीटर तो तां दींदे ही नहीं कुछ, 10 मीटर कहड़ा कंध ते लग्गिया नहीं दींदा पंजाब, कोल जाके देखना पैंदा उह पंजाब यार, इन्ना बेचारा सूंगड़ गया, इतों ही हरियाणा बन गया, फिर पंजाब फिर कटा गया। कहिंदे किहड़ा कमीशन बनया, शाह कमीशन, आ उही कमीशन आपां देख ही ले बाकी सारे, आ 1966 दे कमीशन दी गल कर रहे हैं, आ अपना फैसल अली कमीशन 53 वाला, आ अपना JVPS केदार है, सारा काम निबड़ गया, सो ईजी है, बाय वेस्ट टू टाइम। हुण आपां गल करते हैं नागरिकता दी, जिहड़ी आपां बाहरले मुल्कां दी लैण नूं तैयार है, पढ़नी आपां नूं आप दे देश दी पै रही है, हालात तां यार अपने आप बने पए है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, पहली गल तां तुहानूं पेपर वाला सवाल यह भी पुछ सकता है भी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट किहड़े साल च पास होया, तां बच्चों आपां टिक लावांगे 55 दे विच। जे मान लो सवाल आ गया भी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट दी किन्ने वार अमेंडमेंट हुई है, आपां टिक लावांगे 6 वार, 1986 दे विच हुई है पहली बार अमेंडमेंट, फिर 1992 च हुई है, फिर 2003 दे विच हुई है, फिर 2005 दे विच हुई है, फिर 2015 दे विच हुई है, फिर 2019 दे विच हुई है। दूजी गल जिहड़ा अपना सिटीजनशिप एक्ट है ना बच्चो, इहदे विच दस्से गए तरीके भी किन्ने तरीके है अपने मुल्क दी, जेकर किसी बंदे ने जा बंदी ने नागरिकता लेनी है, आपां टिक लावांगे 5 तरीके है।
पंजेस नूं ठोक के पढ़ाए हुए है, बहुत कमेडिया ज़्यादा लैक्चर हो और डेंजर है। पंज तरीक कड़े है जिमें अपना बाय बर्थ, ज़्यादा ना बाय बर्थ है, बाकी मैं बोल देना वैसे बाय नैचुरलाइजेशन है, बाय डिसेंट है, बाय इनकॉरपोरेशन ऑफ टेरेटरी है, तो बाय रजिस्ट्रेशन है। इत्थे कहिंदे पंज तरीके नागरिकता पाउण दे नहीं, तीन तरीके नागरिकता खोण दे भी है। यही आपां नूं फिर सवाल पुछिया, पहुँच गए ना सवाल ते, आपां सवाल जिहड़ा मिंट जी पहुँच जांदे आपां। कहिंदे अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस तरीके नाल बंदा नागरिकता खो सकता है। कहिंदे रिनंसीएशन, आपे त्याग देना, जिहड़ा अपना मुल्क त्यागी जांदा है। टर्मीनेशन भी हो सकती है, टर्मीनेट की कम ही है कर दो, डिपोर्ट, वैसे डिपोर्ट अपन करते तो बहुत है बाहरले मुल्क वाले, अपने आने का की करना है। सो एक अदूपा तरीका आंसर आ गया, बाकी सारा वधिया तरीके ना, सारा एक्ट बहुत वधिया तरीके ना पढ़ाया हुआ है, बट फॉर द टाइम बीइंग जो कुछ याद करना है वो आप देख ही लिया भी ये 6 बार अमेंडमेंट हो चुकी है, 5 तरीके लैण दे है, 3 तरीके खोण दे है। संविधान का सिटीजनशिप का बच्चों किनवा पार्ट है, दूजा पार्ट है, किन्ने आर्टिकल है, 5 तो लैके 11। पहला की पढ़िया आप पार्ट नंबर पहला, पहले पार्ट के किन्ने आर्टिकल है, 1 तो लैके 4, टोटल किन्ने पार्ट है अज 25, पर 2 हो गए कुछ भी नहीं, 2 तो निबेड़ते हैं, क्या बात होगी। बस दूजा तीजा ही मेन है, बस तीजा चौथा बड़ा मेन है। कहिंदे केड़ियां स्टेटमेंटा डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दियां सही है। पहली गल तो डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये संविधान का बच्चों केड़ा पार्ट है, आपां टिक लावांगे चौथा पार्ट है, इहनूं आपां शॉर्ट कह दिंदे हैं DPSPs। बहुत वार पढ़े आपां भी BR अंबेडकर ने इन्हां नूं नोबल फीचर्स कहा, ये अपने मुल्क दे विच आर्थिक ते लोक तो आप सारा भी मतलब इकोनमी सोशल पोलीटिकल सारा कुछ आप चीज़ें पढ़िया हुई हैं कि पोलीटिकल डेमोक्रेसी एस्टैबलिश करने वास्ते आप पढ़ते होंगे फंडामेंटल राइट। एक चीज़ होर भी है, ये अल्टीमेट सैशन तो तुम लाने ही लाने हैं, जड़िया पिछे आप सुपर डुपर दियाँ 34 क्लासा लाइया ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा ये नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जब बड़ा कुछ कवर करने की कोशिश की है, बंदा तो कोशिश ही कर सकता बस तो रब दे भाई। ये किन्ने आर्टिकल है, 36 तो लैके 51, 36 तो लैके 51। कहें आप डायरेक्टिव प्रिंसीपल का आइडिया लिया आयरलैंड तो, ये तो जमा पहले क्वेश्चन ही आप अज देख लिया यार बई यार कदों कर दौ। कहिंदे आयरलैंड ने कहिंदे बोरो कीता सी, हाँ आपां लिया कहिंदे आयरलैंड तो, कहिंदे आयरलैंड ने कहां लिया फ्रांस वाले तो, ये तो कल कुछ होर कहणगे। आयरलैंड ने बच्चो फ्रांस तो नहीं, आयरलैंड वाले ने कहा सी स्पेन तो लिया, कहिंदे असीं धक्के नाल बदनाम करी जांदे हां। तो कुल मिला के फिर आपां नूं सही पुछिया आंसर आ गया पहला, सो ईजी। एक चीज़ होर आखना है, जोड़े अपने डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स है ये सरकार की मर्जी है, सरकार फॉलो करे ना करे आप इन्हों के खिलाफ अदालत कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 के लिखा हुआ है, ये सुपर डुपर च पढ़ के आए हैं तो मेरे याद आ गया, बट याद तुसी करना है, मैथ्यू कराई जाते याद ल करना आप है। कहें ये प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी पार्ट नंबर 4 दे विच है, क्या क्वेश्चन है यार, बड़ा नजायज बरीक है, मैं बड़ा करदा पहला ठीक है अंग्रेजी वाला वास्ते, ते बाकियां वास्ते जिहड़े पंजाबी वाले है बाद च वड्डा कर दूंगा। डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स कहिंदे गल कीती गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर ते एजुकेशन दी, जिन्ना चिर कहिंदे उहनां दी एज ऑफ, वेरी गुड, ये आर्टिकल नंबर अपना 45 आ बच्चो, आर्टिकल 45 च यही गल करी है, एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयरस। आप सारे पढ़े नहीं आंगनवाड़ी वाले चावल वाले, चावल एग्जाम्पल याद है, चावल खा ले खिड़ा ले घरे आ गए क्या उम्र है। कहिंदे प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, क्या बात है, किहड़ा आर्टिकल है 48A। एक चीज मैं दस देना चाहना है बंदे दे पतवन के सुन लो, पार्ट तीजा
पार्ट चौथा इन्हां दे आर्टिकल नंबर रटे होने चाहिए है, पेपर सीधा सवाल सॉल्व हो जूगा। कहिंदे आपां अपने देश च एकता अखंडता यूनिटी बना के रखनी है, देश नूं जोड़न वाली गल करनी है, तोड़न वाली गल नहीं करनी। गल तां वैसे बहुत प्यारी है बट ये डायरेक्ट प्रिंसीपल दे विच इहदा जिक्र किते नहीं कीता गया। इहदा जिक्र कीता गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे विच, जिहड़ा अपना किहड़ा बच्चो पार्ट नंबर 4A है। किन्नियां फंडामेंटल ड्यूटियां ने अगे इसनूं पढ़ाऊंगा मैं, 11 ਕਹੋਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਹੈ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 11 ਅੱਜ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ 11 ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ 45 ਹੈ 48 ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। चलो 6 साल की उम्र ये काम निपट गया। सो आपन पूछा सही द आंसर अपना आ गया एक एंड दूका, आंसर बच्चों की आ गया एक एंड दूका, एक एंड दूका। देखी जाती है फिर सैशन पूरा कौन लाऊगा, जेडे बच्चे ने सैशन भी पूरा लाया वह भी कमेंट जरूर करो। हौसला यही हौसला है, बस इस हौसले फिर से भाई तुरे फिरते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स, कहते कि प्रिंसीपल आप 42वीं अमेंडमेंट, देखो 42वीं अमेंडमेंट तो ना अपने संविधान च बच्चों तबाही आ गई सी। पहला तो आप प्रीएम्बल वेले पढ़ते हैं, फिर इनू आप डायरेक्ट प्रिंसीपल वेले पढ़ते हैं, फिर इनू आप फंडामेंटल ड्यूटियां वेले पढ़ते हैं। थां थां ते पढ़ी जाने बस कमले कराया पे 42वीं अमेंडमेंट ने ता ही इनू आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने हैं। कहते भी डायरेक्ट दसा भी सवाल की है भी कि सिद्धांत कहें आप 42वीं अमेंडमेंट के नाल पार्ट चौथे दे विच ऐड किए हैं। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, क्या आर्टिकल है यार 39A, यही चीज कहती है क्योंकि आप अपने देश से इंसाफ की गल करते हैं बट इंसाफ माड़ा धीड़ा बंदा नहीं लै सकता, लखा रुपया चाहिए इंसाफ लैन वास्ते, कोर्ट कचहरी धक्के खाली हाथ नहीं लगते, एक तरीक च कुंडा हो जाता बंदे का, तो गरीब बंदा फिर आपका पक्ष किवें रख लूगा बई। सरकार सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है उन्होंने आपका पक्ष रखने वास्ते, उन्होंने फ्री एंड अपना इक्वल जस्टिस प्रोवाइड फ्री लीगल एड की गल की अपने संविधान के केड़ा आर्टिकल है वड्डी 39A। तो सच पुछो ये 42वीं अमेंडमेंट नाल ही ऐड होया, क्या बात है। कहिंदे पार्टीसिपेशन ऑफ वर्कर होनी चाहिए उनकी, मैनेजमेंट जमा सही है यार, इंडस्ट्रीज के विच मत्था खपदा कौन है, वर्कर चलाउंदा कौन है, जिदी जिहड़ा इंपलॉयर है बॉस एसी वाले दफ्तर च बैठा मौज नाल विच चलनी चाहिए है वर्करां दी। 43A बच्चो ते सच पुछो तां यार ये भी 42वीं अमेंडमेंट नाल ही ऐड होया है, अज मैं झूठ नहीं बोल रहा। आदा एनवायरमेंट की जिथे गल आ गई चुप करके भड़काता 48A, ये मतलब पहला भी आया सी वो नहीं आया होना पहला मेरे याद नहीं, फिर चल नहीं याद मेरे लड़िका तो जाने हो। फिर कहते अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डिवेलपमेंट वेरी गुड, ये भी 39, क्योंकि 39 आर्टिकल बहुत कंपलैक्स है, पता किमें कंपलैक्स है जिमें आए आए हैं जिमें 39A 39B C D E आए हो गया, फिर 39DA आए हैं इन्ना खतरनाक जिमें आप अज ही पढ़ के आए हैं 39d इक्ुअल पे फॉर इक्ुअल वर्क, याद है पैरानॉर्मल एक्टिविटी 39D आप पढ़ के तो आए हैं यार डायरेक्टिव प्रिंसीपल। तो कुल मिला के 4 ही सही है, क्या सवाल है वे। जे तुसी आ सवाल सॉल्व करता सी ना आपदी आप तो सानू पेपर च कोई नहीं रोक सकता, इहदा मतलब थोड़ी जबरदस्त तैयारी है यार, जबरदस्त वाली तैयारी है वरना फिर दस्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तुहानू पता ही है राजे महात्मा गांधी का सुपना सीगा भी मुल्क अपना डेमोक्रेटिक तो हैगा बट ये ग्रास रूट लैवल ते लैके जाओ डेमोक्रेसी नू, आम लोग पार्टीसिपेट करन, लोग घर चो बाहर निकलन, ऐ नहीं भी घर च बह के बस बड़का मरी जाती है टीवी ते मत्था मरी जाती है, टीवी ते कोई नहीं सुनता,
टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। ये संविधान का केड़ा आर्टिकल, अच्छा सवाल ही पूछा है केड़ा आर्टिकल है 40, वेरी गुड वे वेरी गुड, 47 वाला कैंड आर्टिकल है, याद है 48 आप देखी जाने बारी बारी, 39 आप चब कढ़ी तुरी जावे, 47 केड़ा आर्टिकल है पढ़ा दी 47 वाला, वही है इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड बैन ऑन इंटॉक्सीकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये तो बैन होना चाहिए, याद है पाल दिया बैन, मुल्क इतने चलते ड्रिंक्स के सिर पर है, एक ताही तो फिर डायरेक्टिव प्रिंसीपल च लिखे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसीपल कि अपने एनफोर्सीएबल है, ये सरकार की मर्जी है, ये कहते बैन होना चाहिए, वो सरकार कमाती है, तो यार कमाल करी जाने ठेकिया तो ठेका चढ़ाया पै इत, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहते कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, कहते आप नैशनल फ्लैग की रिस्पैक्ट करनी है, आप डिफेंड, बिल्कुल सही है यार, तो नॉर्मल जी गल है, सब तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये है, नैशनल फ्लैग नैशनल एंथम सारी संविधान की पालना करो, एजुकेशन देनी है बच्चों जमा सही है यार, एजुकेशन दो बच्चों, ये तो ना उ है जो आप पढ़ते होंगे 51A(k), आर्टिकल 51A(k), वो आही चीज़ तो हैगी है, ये भी सारा आप पढ़िया हुआ है, क्या बात ही है, कहते विलेज प्रमोट एंड कॉटेज, ये आर्टिकल नंबर कला 43 है, अज ही आप पढ़ के आए हैं 43A, वो की कहना सी क्या पार्टीसपेशन ऑफ वर्करस इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43 पता की है वैसे पूरा, ये मिनीम वेज की गल भी करी गई है, मिनीम वेज फॉर वर्करस, मिनीम वेज कहना घट्टो घट इन्नी क तनखा इन्नी क दिहाड़ी तो होवे यार, भी बंदा सारे दिन का थकिया हारिया अपने पौआ तो पी सके ते घर का ढिड पाल सके यार, बंदा फिर ही सौगा भाई जी, इन्नी क दिहाड़ी तो दया करो यार, भी आपका भी ढिड भर जे तो टब्बर का भी भर ले, तो प्रमोट करना है विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये 43 है, तो 43A की है वह भी आप देख लिया, सो ईजी बड़ा ईजी ईजी काम होया पे, तो यही अपना जवाब आ गया, पहली गल तो यार एक गल आपको पता लग गया, फंडामेंटल ड्यूटी दे विच कोई टैक्स की गल नहीं की गई, ऑप्शन देख के चार नाल छांट लियो, तुम सीधा पूछेंगे ये कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, जान के कभी गल टैक्स की की होगी, भड़का दौ भड़का, कोई गल ए इलैक्शन की नहीं की गई, बस आ दो आधार से भी वोट पाओ ए करो इलैक्शन, कुछ नहीं लिखे ये जड़िया अपन 11 फंडामेंटल ड्यूटियां ना, इन्हों दे कुछ नहीं लिखा होया, ये गल याद रख लियो मेरी, फिर ना कि दस्या नहीं, 86th अमेंडमेंट बचो, पहली गल तो कि साल की है 2002 की है, असल दे ना जी अपनी 86th अमेंडमेंट है ना, इनू मैं कहने की है, इनू बचो मैं कहना हूं एजुकेशनल अमेंडमेंट, चक लो क्योंकि ये एजुकेशन लैके बड़ा वाला बदलाव लिया अपने संविधान के, 21A फंडामेंटल राइट है भी स्टेट की जिम्मेवारी है प्रोवाइड एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, 45 तुम कहोगे भी 45 के भी अमेंडमेंट हुई भी है पिछे ए तो पाई नहीं, ए भी हुई भी है, वो क्या पॉइंट है यार की हुई भी है, ध्यान ना सुनना, 45 पता की लिखा सी पहला 86th अमेंडमेंट 2002 तो पहला लिखा सीगा बिटवीन 6 and 14, वो बाद फिर इन्हें बदलता क्योंकि इतने आप लिया इतने करता फिर बिलो द 6 बिलो बिलो, फिर अपना 51A आ गया, 51A की है ओही, इतने कहते पेरेंट्स की जिम्मेवारी है एजुकेशन देनी बच्चे नूं, इतने स्टेट की जिम्मेवारी है 6 and 14, 6 and 14 इतने बिलो द 6, सारा कुछ वधिया तरीके ना देखा हुआ है, सो बच्चों तिने ही सही है यार, कोई लगता इतराज है सोनू एका दूगा तीका एका दूगा तीका, सवाल कहो तो मैं जूम कर दिना होर जूम कर दिना क्योंकि मैनू भी अब फिका लगी जाता पता नहीं मेरा नंबर नंबर ऊँ घटूगा पता नहीं फिका है लग भी रहा वैसे मैं कोई चक्कर वाली गल नहीं यार ये बड़ी गल है, कहते फंडामेंटल ड्यूटियां अपने संविधान च कहते ऐड कीतियां सी, ये आप कहते आयरलैंड हुण आप
ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਗਰੀ ਪਏ ਪਏ ਹਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਲਏ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ USSR ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ USSR ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 5-year ਪਲੈਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 42 ਅਤੇ 86 ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਬੱਚੋ ਪਾਰਟ 4A ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 51A ਪਿੱਛੇ ਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 11 ਅਤੇ 11 ਸਰ ਜੀ ਕਦੋਂ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 86 ਸੋ 10 ਹੋਈਆਂ 42 ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 11 ਹੋਈ ਹੈ 86 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਚੌਥਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗਾਹ ਪਾਤਾ ਟੂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰਸ 43A ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਫ 39 ਵੱਡੀ ਏ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫਾਰ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਹੈ 39D ਹੈ 47 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਬੈਨ ਔਨ ਇੰਟੋਕਸੀਕੇਟਿੰਗ ਡਰਿੰਕਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਹੈ 48A ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸੋਈ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚਾਰਟ 38-2 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸਮਤ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਅੜਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਿਲਾਰਨ ਆਇਆ ਕਰੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਏ ਵੀ ਐਂ ਘਟਾਓ ਭਾਈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਘਟਾਓਗੇ ਯਾਰ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਬਾਬੇ 38-2 ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ 43 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗਲਤ ਮੈਚ ਕਰਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ 47 ਕੀ ਸੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਡਰਿੰਕਸ ਡਰੱਗਸ ਆ ਪਿਆ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਪਿਆ ਅਤੇ 48 ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 48A ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 48A ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਹ ਇਕੱਲਾ 48 ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ
आंसर आ गया एका ते चौका, एका ते चौका, एका ते चौका, एका ते चौका। लो भी मुड़ियो आखिरी आ मेरे सामने वाला पार्ट नंबर चौथे का, कहते कि आर्टिकल कहना भी आपां नूं इंटरनेशनल पीस ते सिक्योरिटी बना के रखनी चाहीदी है। वैसे तो हो नहीं सकता जे गवांड होवे ते क्लेश ना होवे, ये तो फिर भी दुनिया पद्धर की गल करी जाने हैं, इतने तो असली गवांड दे विच भी यही होंगे। तो कुल मिला के ये आर्टिकल नंबर 51 है, बाकी सारे आप पढ़ ही ले। 41 छड़ दिओ, वैसे तो यह है 41 है राइट टू वर्क वाला आर्टिकल है। 44 बड़ा कीमती है यार, वो अपने के सवाल चा नहीं रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड 48A आ गया, ये अपना एनवायरमेंट वाला। अब पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर वाला आ गया, वो क्या बातें होए, क्या बातें हैं सिरा कला सिरा। ये कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हैगी, आ सवाल सब तो ट्रिकी है, करो सॉल्व। वाटर पी लिए करो सॉल्व। ए ऑप्शन ते डी ऑप्शन देखो, ए ते डी दा कपला है, ए ते डी दा। ले भी मटियो पानी आप लिया पी हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ नहीं सकता अगा लावे आ जमा सही है। फंडामेंटल ड्यूटी कहते अपन पब्लिक प्रॉपर्टी है, उन्होंने हानि नहीं करना, नुकसान नहीं करना, सरकार तो मंगा मंगाने के लिए आई, अगा ला दो सड़कों पर, गल बनती है कोई? ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पता कि आई भी अग नहीं लानी, सेफ गार्ड करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी। आ केड़ी फंडामेंटल ड्यूटी एनवायरमेंट वाली जी, आ केड़ी है नैशनल एंथम, नैशनल सॉन्ग, नैशनल फ्लैग पहली, तो सी वाली केड़ी है देश एकता अखंडता बना के रखनी है। सो ए सी जी आई ते के अपनी एजुकेशन वाली है, ये पंजे फंडामेंटल ड्यूटियां याद कर लियो, निभाओ चाहे ना पर याद जरूर कर लियो। आ जवाब है क्योंकि ये 49 आर्टिकल है। ये बच्चों गल डीपीएसपी की हो रही है, ये डीपीएसपी से लिखा हुआ है भी अपनी जड़ियाँ प्रोटेक्ट करनिया थावान जड़िया अपन नैशनल इंपोर्टेंस दियाँ। बच्चों कितों दियाँ नैशनल इंपोर्टेंस दियाँ, कहती है ये केड़ी कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटड है, इनू कहते सवाल चोटी का 99.9% बच्चा पार्टी नन ऑफ दिस भड़काऊगी, क्योंकि उन्हें पता की पढ़िया होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज का। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी पढ़िया होंगे, चक लो वो ऑप्शन च नहीं, उन्हें खुश होकर टिक ला देना लैवियाड़ी पेपर तक गया। आई होंगे पेपर, पेपर हाल च सौखा लगता है, बस च आ गया औखा बन जाता है जो मोबाइल से आंसर की देखनी स्टार्ट कर दें, कोई भी सही नहीं हो रहा। इतने आना सी वर्मा कमेटी याद रखना, जो बाद वर्मा कमेटी भी फंडामेंटल ड्यूटी के नाल संबंधित है, 1999 दे विच बनी सी। एक कमेटी ने असल दे विच आइडेंटिफाई किया सी भी किहड़े किहड़े अपने मुल्क दे विच लीगल प्रोविजन दित्तियां होई हैं जिहदे नाल फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंट होंदियां हैं, जिमें एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नैशनल ऑनर एक्ट, उस सर दस्या गया भी आप किसी भी नैशनल सिंबल का अपमान नहीं कर सकते, अपने खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जिमें एक है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, एक प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट एनवायरमेंट वाला। सो वर्मा कमेटी का काम ही यही सी, इन्हें कुछ लीगल प्रोविजन कढ़ के लियांदियां सी 1999 दे विच भी आह देख लो जे तुसी फंडामेंटल ड्यूटी करना मनना मनना ना मनो, पर जे उल्ट चल गए ना भेड़ी होनी है एक्शन हो सोडे खिलाफ। सो वर्मा कमेटी 1999 दी है, तो सरदार सवर्ण सिंह का पता ही है।
हुण आपां गल करदे आं पार्ट नंबर तीजा फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जिहदा सब तो सिरे दा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22 मेरे हिसाब नाल क्योंकि आर्टिकल नंबर 22 की कहिंदा है आर्टिकल नंबर 22 ये कहिंदा है भी पुलिस किसी भी बंदे नूं चक के जेल च ठोक नहीं सकदी पुलिस पहला चक्कण तो पहला ब्रंट लैके आउंदी आ बई ओए हाँ हौली हौली आपां डिटेल च लैके जावांगे नाल इह भी याद रखना है सब तो सिरे दा पॉइंट पुलिस किसी बंदे नूं चक के थाने 24 घंटे तो बाद रख नहीं सकती वह चक्या होया बंदा वह डिटेन किया होया बंदा 24 घंटिया के अंदर मैजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाएगा ये सारे पॉइंट आप याद रखने हैं बट हूँ आप थोड़ी कहानी तोड़ते हैं अगे ए चक्या होया बंदा ए बचो डिटेंशन चक्या होया बंदा मतलब जेडे बंदे पुलिस बंदा चक के लिया ना उन्होंने आप कहते हैं डिटेन्ड परसन डिटेंशन की गल कर रहे हैं ये होंगी है दो तरीके की एक तो बचो होंगी है प्यूनेटिव डिटेंशन जिहड़ी पेपर दे विच मैं शर्त ला के कहना है कोई नहीं पढ़ूगा भी प्यूनेटिव लिखा है कि प्रिवेंटिव लिखा है प्यूनेटिव लिखा है कि प्रिवेंटिव लिखा है कोई नहीं पढ़ूगा कोई भी नहीं पढ़ूगा प्यूनेटिव डिटेंशन का बचो मतलब की होंगे ऑर्डनरी लॉ की गल करते होंगे आप मतलब जेड़े हुण तुसीं पिछे पॉइंट बोल के आया मैं भी 24 घंटे तों वध पुलिस रख नहीं सकदी मैजिस्ट्रेट सामने पेश करना है वह कहिंदे आ प्यूनेटिव डिटेंशन पुलिस बिना वरंट तो इहदा मतलब पहला बंदे ने अपराध किया होगा वह पुलिस फिर ही वरंट जारी करती है भी हाँ बंदे चक्को यार तुसीं कमाल करते बंदे ने अपराध किया सो ये चीज़ा तो आम नॉर्मल लाइफ आप सुनते हैं बट जरूरी नहीं हुंदा भी पहला पुलिस तुहानूं डेकूगी भी बंदा मार ला बाद तैनू चक्कण आवांगे पुलिस पहली प्रिवेंटिव भी प्रिवेंट करती है भी ये अपराध करे ना क्योंकि ओबियस आ यार बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ही बड़ा जबरदस्त होंदा है बंदा पेशेवर क्रिमिनल है सरकार पुलिस नूं पता है बई इलैक्शन आ गए ये बंदे ने खप पाउणी पाउणी है इन्हें नशा ही बंडना है पैसा बंडना है ये बंदा मरवाऊगा पुलिस चक लैंदी है उन्हें कहिंदे आ प्रिवेंटिव डिटेंशन सो ये चीज़ा च आ रूल 24 घंटे वाला ज होर चीज़ा इतने फॉलो फिर नहीं होंदिया ये आर्टिकल नंबर 22 है ध्यान ना सुनना हुण देखो कहिंदे आर्टिकल नंबर 22 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू परसन हू हैव बीन अरैसटड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इहदा मतलब आ नॉर्मल गल नहीं कर रहा प्रिवेंटिव डिटेंशन की गल कर रहा भाई जी खास सवाल है कहिंदे डिटेन किया होया परसन एक्सीड नहीं हुंदा 6 महीने तक पुलिस चक सकती है जिन्ना चिर एडवाइजरी बोर्ड होर अगे दसदा नहीं भी होर चक्की रखो वैसे तो यह स्टेटमेंट आप वैसे भी गलत ही टिक लाउनी सी जे आप प्रिवेंटिव ते प्यूनेटिव ना पढ़ते ये वैसे भी गलत होगी क्योंकि इहनूं आपां बच्चों 3 महीनों तक चक सकते हैं इहनूं आपां 3 मंथ तक चक सकते हैं 3 मंथ हाँ एडवाइजरी जो बोर्ड बहिंदा है वह हो सकता है फिर अपना एक्सटेंड कर दे 3 महीने बड़ी सिंपल जी गल है फिर कहते राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम मैं सुनूं की क्या है ये लैंड सही है बट इतने गल प्रिवेंटिव दी की गई है इतने गल प्यूनेटिव दी थोड़ी ना की गई है जिहड़ा बंदा पुलिस ने चक्या हाँ ये गल पक्की है सुनी अपने देश हर बंदे की जाऊगी भाई मैं दसो तो सही यार मैं पिछली बार किहड़े बंदे मरवाए है भी बिना गलों चक लिया तुम मैं सुनवाई हर चीज़ आप कसाब की भी पूरी मतलब फुल प्रक्रिया की है एदू वा टैरिस्ट तो नहीं फड़े आप थोड़ी फड़ लिया ना ठोकता कार्रवाई चलती अपने देश च भी चक्या होया जो बंदा ना उन्हूं मौका दिता जाऊगा आपका पक्ष रखने का भी जो पक्ष रखा आपका कोई चक्कर वाली गल ही नहीं यार रीप्रजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर भी मेरे खिलाफ ये जारी क्यों किया गया सो आर्टिकल नंबर 22 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों बहुत ध्यान ना समझना है सही पूछा आपां बस ठीक है फिर बी आंसर आ गया की आंसर आ गया बच्चों बी वेरी गुड ओए वेरी गुड क्या बात है कहते ये
स्टेटमेंटा दसो फंडामेंटल राइट दी सही केड़िया ने। कहिंदे ओनली मारते हुए, क्योंकि आपां किते ओनली पढ़ के गलत टिकण लाजो वीर बन के 5% ना ओनली वाला सही भी आ जांदा है। कहिंदे कल्ले मौलिक अधिकार है जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन ने गरंटी कीते है भी लागू होणगे अड़ी अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल। बड़ा भरे मन दे नाल कहना पै रहा है ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 दे विच ये चीज लिखी गई है बहुत प्यारी भी जेकर सोडा कोई भी फंडामेंटल राइट जो अपने 12 तो लैके 35 तक होंगे है किसी भी फंडामेंटल राइट की उलंघना होंगी है तो कहिंदे बंदा सीधा सुप्रीम कोर्ट दे विच अप्रोच कर सकता है। बट ऐ थोड़ी है कि तुसी किसी निके मोटे कामों वास्ते इतने मेरा चोरी हो गया जी, इतने मेरा मेरा को सैकल चक के लै गया जी, इन्हें मेरे लफेड़ा मारिया भी चल सुप्रीम कोर्ट लक्षण ही लफेड़े वाले किते होंगे ताई मारे अगले ने। तो कुल मिला के ये सही है कल्ले फंडामेंटल राइट लागू कराने वास्ते आप आर्टिकल नंबर 32 च लिखा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भी नाल लिखे है भी फंडामेंटल राइट की उलंघना होने ते आए नहीं बंदे ने सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। हुण जिन्हों दिल्ली बाली दूर पै सकती है वह बंदा आपदी हाई कोर्ट के विच भी जा सकता है। बच्चो ये आर्टिकल नंबर 226 दे विच भी लिखा हुआ है। आ देखते आप कहते इन केस ऑफ इनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कहते फंडामेंटल राइट लागू कराने के लिए कहते जूरिसडिक्शन कल्ले सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल है तो एक्सक्लूसिव है, गलत है, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट नू एनफोर्स कराने के लिए कल्ला सुप्रीम कोर्ट नहीं। बचो मैं सानू की दस्या हाई कोर्ट दे विच भी जा सकते हैं तो एक्सक्लूसिव ने सारा पुआड़ा पाता पाता ना पुआड़ा तो पूछा की है करैक्ट आंसर आ गया पहला आंसर की आ गया पहला। यह सिरे का सवाल है सिरे का एक एक अक्षर दोनों पासे माहौल खराब करी जाते पर पेपर चाहे माहौल आप बना के रखना नंबर एक तैयारी कर रहे नंबर एक। बाकी जिन्हें बच्चों ने अपने नंबर वन बैच ज्वाइन किया वे स्टार्टिंग वैसे मैं कहना भुल गया कमेंट करके तुम भी नाल जिक्र जरूर करना बच्चों सही रिव्यू देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय आप कह दें भी लीडर लोगों को गुमराह करते हैं। मैं कहना अकैडमा इंस्टीट्यूटों का काम भी यही चली जाता है पूरा लार्ज स्केल से बच्चा फिर बाद की है पछता फिरता है कि मैं तो हूँ फीस भरती मैं तो बाद पता लगे बहुत कम लार्ज स्केल तो करके कहना हूं कि तुम ये फर्ज थोड़ी ये फंडामेंटल ड्यूटी है ऐड कर लियो तो अच्छे तो नवी फंडामेंटल ड्यूटी सोडी है। केंद्र ये कड़ा पेयर है इधर पढ़ लिया करो बराबर मेरे को नहीं ध्यान बड़ा भी ना दिया करो कहते डिस्क्री भेदभाव नहीं करना ये है वो है जमा सही है वो 15 च लिखे कि मर्जी बनाओ एसोसीएशन कि मर्जी बनाओ यूनियन कि मर्जी बनाओ पोलीटिकल पार्टी क्या बात है वो 19 च लिखे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हूँ कई बार ना सवाल पढ़ के बंदा पेपर च की कहता गलत आ गया उन्होंने ऐ नहीं पता भी पेपर वाले ने तेरे ते स्कीम सिटी है तू फस गया उन्होंने गलत आ देखी लिखे भी ऐ लिखे इतने भी ऐ लिखे तुसी की लेना है बेशक सारा से लिख दे दसो भी जो इनकरैक्टली पूछा आपां इनकरैक्टली तो अपना गलत है क्योंकि रेमेडीज वाला उही आर्टिकल नंबर 32 रेमेडीज मतलब इलाज करना इलाज जेकर किसी भी फंडामेंटल राइट की उलंघना होंगी है बंदा सीधा सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकता है ये आर्टिकल नंबर 32 दे विच लिखा है बंदा सीधा हाई कोर्ट के अप्रोच कर सकता है ये आर्टिकल नंबर 226 दे विच लिखा है। आर्टिकल नंबर 32 है कि आह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इस आर्टिकल नंबर 32 नूं बस समझ गए होंगे तुसीं भी मेरी अगली कीड़ी लैन आ रही है बचपन दे सुंदे आ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 32 नूं बी आर अंबेडकर ने स्पैशल तौर पर की क्या सी याद है हर्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या सी मैं लिखी दिना मैं जमे ही नहीं पता वैसे तो माड़ी गल है जिसमें लैन नहीं पता अदरवाइज तो मैं पता है बहुत इंटैलीजेंट हो तुम
टपाती होगी, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? इनकरेक्ट पूछे आंसर बच्चों आ गया तीजा, ओनली थ्री इज इनकरेक्ट। ओह माय गॉड, अज दा बच्चों पजामा सवाल लेके हाजिर है, अज दा पजामा सवाल सिरे दा सवाल है। रिट्स, रिट्स भी बच्चों केड़ी भाषा दा वर्ड है? ए लैटिन भाषा दा वर्ड है, लैटिन। भी ऑर्डर जारी करना, मैंडमस दा बच्चों मतलब की हुंदा है? कमांड देनी, किसी पब्लिक अथॉरिटी नू कमांड देनी कि हाँ वे तू आपदा काम क्यों नहीं कर रहा, तेनू दफ्तर इत्थे घराड़े मारन दित्ता, बैठा घराड़े मार रहा, काम करो, फर्ज निभाओ आपदा, क्योंकि इहदा मतलब की हुंदा है? टू कमांड, टू कमांड, टू कमांड। सो ये बच्चों कमांड है जो इशू करता कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल नू उन काम करन वास्ते, ड्यूटी परफॉर्म कर, जमा सही है। सर्टिफाई दा मतलब बच्चों की हुंदा है? टू सर्टिफाई, ये मतलब हुंदा है मान लो लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाता बट हायर कोर्ट ने ऑर्डर जारी करता भी तुरंत इस फैसले नू वापस लिया जावे। मेरे टू ही दुख रही है, तुरंत इस फैसले नू वापस लिया जावे, मैनू पसंद नहीं आया, ऑर्डर जारी करता उन्होंने, इसनू ये फैसला सुनाउन नू कहा कि नहीं सीगा। एक हुंदा प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिशन च तां प्रोहिबिट करदे है कि तुसी ये कुछ नहीं करना, केस ट्रांसफर ही कर दो। ये एक स्टैप अगला हो गया भी मान लो लोअर कोर्ट ने फैसले सुनाता तो हायर कोर्ट ने क्वैश करवाता। इट इज आ देखो इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट आइदर टू ट्रांसफर जां जिहड़े चली जांदा पेंडिंग केस जां क्वैश, क्वैश कर दो। हैबियस कॉर्पस दा बच्चो मतलब की हुंदा है? टू हैव द बॉडी। क्या बात है, कहते ये ऑर्डर है जरा इशू करता है कोर्ट, मतलब पुलिस की नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अपने मुल्क दे विच किसी बंदे नू कोई भी ताड़ के डिटेन करके नहीं रख सकता। पुलिस बंदा चक्या हुआ मैजिस्ट्रेट सामने पेश करेगी। हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, क्वा वरंटो, एदा मतलब हुंदा है बाय वट अथॉरिटी, बाय वट अथॉरिटी। समझ गए? एदा मतलब की है कि हाँ भाई ओ किधर अज मैं नैब तहसीलदार दे पेपर च रौला पई जांदा है, जिहड़े टॉपर कह रहे ने ओ टॉपरां दे तां नंबर ही नहीं सी, ये तां प्रिवेंट, ये तां मिसयूज हो रहा पब्लिक ऑफिस दा, उस बंदे नूं पोस्टां मिल रही ने जिहड़ा कहिंदा डिजर्व ही नहीं करता, वो प्रिवेंट करना मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो कुल मिला के तिने रिटा सिरे दियां याद कर लो वीरो, एका दूका तीका ते चौका। क्या बात है, सही है ना, मान गए? क्या बात है, वैसे मनो चाहे ना मनो रिकॉर्डेड सैशन का यह फायदा है सीधा तुसी टाइम नू डबल कर सकते हो। दूजी गल, टीचर लाइव नू पता क्यों प्रैफर करता है? क्योंकि लगातार टीचर कितने बोल सकता यार, तो साढ़े कहते चल मैं तो पशु बनया पे बोली जाने, क्योंकि उदे विच की है टीचर ब्रेक बहुत लै सकता है कि ऐं चा की गया उधर तुरै फिरदा उहदे नाल बोल पे ऐं कर लिया। उहदे विच डबल टाइम, जे मान लो अपनी ढाई घंटे समझ लो, ये लाइव पंज घंटे की होंगी, जो पंज घंटे किन्ने औखे होंगे हुण आराम नाल ला लोंगे। कहिंदे विच ऑफ दी अबव आर करैक्ट, कहिंदे प्यूनेटिव डिटेंशन, ओह ये पहली गल तां डिटेंशन की गल करी जांदा ना, नाल दी नाल याद कर लो ये किहड़ा आर्टिकल है बच्चों, 22 बलेट दो बस। कहिंदे परसन नूं पनिश करदे आ फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम ऑफ, जमा सही है, ऑर्डनरी लॉ डिटेंशन, प्यूनेटिव डिटेंशन तभी होगी ना, जगर अगर आप कोई अपराध करेंगे पुलिस फिर ही आपको उठाने के लिए आएगी। प्रिवेंटिव च सीधे ही डिटेंशन ऑफ परसन विदाउट ट्रायल, आ सही सिरे दियां डेफिनेशन है, करैक्ट ही आपां नूं पुछिआ है, ऑल आर करैक्ट हो गया, काम निबड़ गया। अगला सवाल भी आ गया, आपां कहिंदे किसे बंदे नाल अपने देश भेदभाव नहीं करनी, किहड़ा आर्टिकल है? 15, किहड़ा आर्टिकल है? 15, आर्टिकल नंबर 15 च यही लिखा है भी भेदभाव नहीं करनी, बट सरकार सानूं पता है सरकार कोल स्पैशल पावर है,
90% सरकार दी स्कीमां होंदियां है वो वूमेनस ते चिल्ड्रन वास्ते होंदियां है। तां आपां बंदियां ने मन करड़ा करके रखना है ये अपने वास्ते होर बहुत कुछ हैगा ठेके ठूके वधिया खुली जांदे आ बंदियां वास्ते खाण पीण वाला समान फुल मिल रहा है। सो आपां नूं घबराउणा नहीं चाहीदा आपां इहनूं वितकरा आपां इहनूं डिस्क्रिमीनेशन नहीं मनना इहदा मतलब ये की होगी बच्चो एक्सैप्शन है भी सरकार स्पैशल कुछ भी कर सकती है वूमेन ते चिल्ड्रन वास्ते ये किहड़ा आर्टिकल है तो आप टिक लावांगे 15 clause 3 क्या बात है। फिर कहिंदे स्टेट बच्चो जो अपने सोशली ते एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है सरकार उन्होंने वास्ते स्पैशल कुछ भी कर सकती है इहनूं आपां डिस्क्रिमीनेशन नहीं मनना ये अपना 15 clause 4 है। सो ये दोनों एक्सैप्शन केस है इहनूं आपां डिस्क्रिमीनेशन नहीं कह सकते इनफैक्ट इहनूं आपां पॉजिटिव डिस्क्रिमीनेशन कहने नॉट नैगेटिव ये जरूरी है ये डिस्क्रिमीनेशन कहने जरूरी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वूमेन चिल्ड्रन एजुकेशनली डिप्रैसड पीपल एजुकेशनली आप कहते बैकवर्ड क्लासेज ऑल्सो। सो वट विल बी दी आंसर आंसर आ गया बोथ आंसर बच्चों की आ गया सी क्या बात है वे कहने आर्टिकल नंबर 15 ही फिर आ गया कहने आप किसी बंदे ना कोई भेदभाव नहीं करनी मैं सूँ की कहा सी संविधान के जिमें लिखा ना भाई जी रटना उवें ही पैना कहते भेदभाव नहीं करनी आ देखो संविधान का अनुच्छेद 15 हेठ लिखिया विच्चों किस आधार से वितकरे की मनाही करता है कहते आप धर्म के नाम से रेस रेस मतलब गोरा काला संतरी हरा पीला नीला जामनी जात पात धर्म के आधार से सैक्स मुंडा कुड़ी के प्लेस ऑफ रेजिडेंस किस के आधार से भेदभाव क्या बात है क्या टिक लगाओगे बच्चा लोग लगा दिया गलत है गलत है क्योंकि आंसर आऊगा एका दूका तीका चौका इतने प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं लिखा अपने संविधान च प्लेस ऑफ बर्थ लिखा बच्चो रेजिडेंस का की है कल आप चंडीगढ़ जाके रहन लग पाएंगे यार ना चंडीगढ़ फिर पिंड मुड़ जाएंगे भुखे थोड़ी मरते हैं आप समझ गए मेरी गल रेजिडेंस का तो मर्जी बदल सकता है रेजिडेंस का बिचो कोई चक्कर नहीं नो चकरी समझ गए। सो रिलीजन है रेस है कास्ट है सैक्स है प्लेस ऑफ बर्थ है एका दूका तीका ते चौका है ओ वेरी गुड कहते पोलीटिकल पार्टी बना सकते हैं अगेन ये वन लाइनर क्वेश्चन बड़ा ठिठ करते हैं फाइनली वार कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ने सैन कदों किए कापी वाले झाकनों हट जो नहीं मैं हटा दूँ कर दसी आना 24 January 1950 हटे पोलीटिकल पार्टी बनाना कहते लीगल है नैचुरल है कॉन्स्टिट्यूशनल है फंडामेंटल है ये फंडामेंटल राइट टिक लावांगे कारण क्योंकि आप आर्टिकल नंबर 19 पढ़ते हैं 19-1 पढ़ते हैं आप 19-1 आप अगर सी पढ़ते हैं उत्थे लिखा हुआ है राइट टू फॉर्म एसोसीएशन यूनियंस इट इज टाइप ऑफ पोलीटिकल पार्टीज टाइप ऑफ एसोसीएशन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये आप लेके चलते हैं ता करके आप टिक लाया बच्चो भी ये फंडामेंटल राइट विच ही आवेगा क्या बात है कहिंदे केड़ी रिट नूं आपां वेकनिंग कॉल भी सुत्ता पिया जाग केड़ी रिट है याद करो जिहनूं कहिंदे कमांड दिंदे है भी तैनूं दफ्तर याद करो सानूं डायलॉग कुदरती ही मारिया सी भी सानूं दफ्तर आराम करन वास्ते नहीं पढ़ाया भी इत्थे वधिया आराम करन सवेरे आ जा करो 9 बजे सौं सौं के आपदा मुड़ जाओ वधिया 5 बजे वेकनिंग कॉल मैंडमस क्योंकि मैंडमस का बच्चों मतलब की होंगे टू कमांड मैंडमस का बच्चों मतलब की होंगे टू कमांड समझ गए सारा आप देख लिया प्रोहिबिशन का मतलब की होंगे टू प्रोहिबिट ए कहते कुछ करो जो तो रिट आ जारी होंगी है कहते ना करो केस साढ़े को भेज दो एच कैंसल ही करा आते हैं एच बाय बट अथॉरिटी है वट इज द चकरी नो दिक्कत औखे ही होने की तो कोई लोड़ नहीं कमेंट जरूर करना जेडे बच्चे ने क्लास पूरी लाई हिसाब ला लो तुम जो अगले पार्ट चाहनी हो तो द सुप्रीम कोर्ट कहते इशू करता रिट हैबियस कॉर्पस का उही मतलब है ना हैबियस कॉर्पस भी थोड़ी जिंदगी है यार अपन कोई बंदा है कि मैं डिटेन कर लूगा बई गुलामी स्लेवरी ये सारी चीज़ा कितने कितने उतों निकल के आदि हैबियस कॉर्पस का कंसैप्ट है जनरली
when there is violation of which article? Oh, what a question, yaar! मैं तो question ही होना समझे। कहने Supreme Court जड़ी habeas corpus दी रिट जारी कर दिया ना, कादा violation कह रही है, कादा कह रही है, क्या टिक लगाओगे बच्चा लोग? बताइए, क्या टिक लगाओगे? 21 महिला दन है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 गिर गया है, राइट टू लाइफ, सिरे दा आर्टिकल, राइट टू लाइफ, एंड वेरी गुड, ओए पर्सनल लिबर्टी, मेरी मर्जी है भाई जी, कसम मर्जी करा मैं, कसम मर्जी, समझ गए, बट इत्थे मर्जी मेरी चलूगी, जे तुहानूं लगदा है भी हुण अल्टीमेट सीरीज चलनी चाहीदी है, वध तों वध लाइक ते शेयर जरूर कर दे वीरो, क्या बात है, सही है ना। हाँ, 54 च आपां देखिआ क्वालिटी बिफोर लव है, 15 आपां देखिआ भेदभाव नहीं करना, 19 च अपनी फ्रीडम आजादी है, बोलचाल दी आजादी है अपने कोले, क्या बात कर दे, आ गया। कहिंदे आर्टिकल नंबर जिहड़ा 32 है ना अपने संविधान दा, कहिंदे इह गरंटी करदा है भी आपां सिद्धा जा सकदे हां सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट नूं लागू करवाउण दे लई। कहिंदे सुप्रीम कोर्ट दी कीड़ी जुरिसडिक्शन है, व्हाट अ क्वेश्चन, वैसे हजे मैं सुप्रीम कोर्ट दे आर्टिकल लैके नहीं आया, अज अगले पार्ट च लैके आऊंगा, 124, 129, 130, 131, 131, 143 सारे पढ़ांगे, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एडवाइजरी। आप क्या टिक लगाएंगे आप लोग? आप टिक लावांगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का बच्चो मतलब की होंगे? ये कहते वो केस होंगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाले जिन्हों लैके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के जा सकते हैं। सो आप पिछे यही तो पढ़ते आ रहे हैं, फिर पिछे मैं परसियन तो यूज कर नहीं रहा, नहीं मैं लैटिन यूज कर रही, पंजाबी वरत रहे हैं, भी सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो हम आप सवाल च की सीख लिया भी यह केड़ी है? आप टिक लावे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। कहते विच मंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, कहते कि फंडामेंटल राइट अपने नागरिकों वास्ते है, बाहरलियां वास्ते नहीं? ओ व्हाट अ क्वेश्चन यार, डब्बा डब्बा, अपने किन्ने फंडामेंटल राइट है? 12 तो लैके 35। सो मैं डब्बा बना देना, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 30, 15, 16, 19, 39, 30, 15, 16, 19, 39, 30 ਇਹ ਉਹ ਪੰਜ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਦੂ, ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਏਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, एंड नॉट बारले एलियंस, बस याद रखना है 15, 16, 19, 39, 30 ये सिर्फ अपने वास्ते है। इन्होंने की पूछा है? ये तो सिर्फ अपने वास्ते किड़ा फ्रीडम, आ गया 19, क्या बात है, क्या बात है, क्या मैं निबड़ गया, बस आ पे 19 डब्बे च लिखा यार, मैं आ पे लिखा 19, मतलब बन गई ना गल, इक्वालिटी फॉर लॉ, ये अपना 14 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हूँ बारले बंदे की है, जमाल अपने देश च आ गया, एंड मैं मीट बना लो ये बग्गा आवे बड़ा स्वाद बनूंगा, ओदी भी जिंदगी मारना थोड़ी है यार, आप ही सोच ला करो ना, तुम उठ पटांग जगह तो करी जाने, समझ नहीं आ रहा। नोने लिखा पे, नोने की होंगे? नन ऑफ दी अबव होंगे। चलो आंसर बच्चों अपना ए आ गया, आंसर की आ गया अपना ए, वेरी गुड यार, आ डब्बा याद रख लियो, सवाल सॉल्व हो जाएंगे यार, बहुत सिंपल चीज है, कोई खास गल नहीं। हुण आपां करदे आ आर्टिकल नंबर 20, पिछे आप पढ़ के हैं आर्टिकल नंबर 22, वो कहड़ा सी डिटेंशन वाला, आर्टिकल नंबर 20 कहड़ा प्रोटेक्शन वाला, अपने मुल्क दे विच अपराधियों नूं भी प्रोटेक्शन दित्ती जांदी है। कहिंदे फिर दसो इहदे विचों किहड़ा सेफगार्ड फिर नहीं है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सैल्फ इनक्रीमीनेशन। वाओ क्या बात है, आंसर आ गया डी,
समझा मैं घबराए ना क्योंकि मैं उसमें पिछले की पढ़ा के हैं भी बंदा 24 घंटे अंदर पेश करना है। ये तो आर्टिकल नंबर 22 की गल हो रही है, इतने 20 की गल हो रही है, ता सवाल सॉल्व हो गया। एक्स पोस्ट फैक्टर मतलब की होंगे भी बंदे नू चालू लॉ तहत ही सजा दिती जा सकती है, भी आप किसी बंदे नू सजा फिर ही देवे ना, उन्होंने दसागे भी आ देख तू इस कानून की तू उलंघना की है फिर ही सजा मिलेगी, किसी के कहने तो थोड़ी ना मिल जूगी भी फलाने जे पापे ने कहता डबल जियोपार्डी भी डबल सजा थोड़ी होगी, अपराध सेम है भी सजा पहला कटाया फिर हायर कोर्ट ने देती फिर तो बंदा ही मर जू यार। सैल्फ इनक्रीमीनेशन का मतलब होंगे भी पुलिस कस्टडी दे विच दिता होया बयान, पुलिस एज अ एविडेंस यूज नहीं कर सकती। सो आंसर आ तिने बच्चों याद रखना है, ये आर्टिकल नंबर 20 है, ये अपना आर्टिकल नंबर 22 है, इस तरह का सवाल है याद कर लेना है। कहते कि आर्टिकल कहना कहना कि सारिया पब्लिक थावां लोगों वास्ते ओपन, पब्लिक थावां कह रहे हैं प्राइवेट नहीं कह रहे, तो कल ठंड जी बाली पैन लग गई तो किसी के घर जाके हीटर छड लोगे, भी आर्टिकल नंबर 15 कलॉस 2 च लिखा गया भाई ऑल। आप होर देखो 15 च आप की कहा भी किसी भी बंदे ने अपने देश कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, 15 क्लॉस 2 च की आ गया सारिया पब्लिक थावां ओपन है, 15 क्लॉस 3 च की सीगा स्पैशल प्रोविजन सरकार बना सकती है वूमेन ते चिल्ड्रनस, 15 क्लॉस 4 भी देख लिया, 16 आर्टिकल कड़ा सीगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, आर्टिकल नंबर 19 कड़ा सीगा फ्रीडम वाला, 20 भी आपां देख लिया, 21 आपां देख लिया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ परसनल लिबर्टी है, 22 आपां देख लिया डिटेंशन वाला है, क्या बात है, आपां 43 भी देख लिया, आपां 39 वड्डी ए भी देख लिया, 43 वड्डी ए भी देख लिया, 44 45 47 48 50 कहती है स्टेटमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच में लैके नाउट करैक्ट है। पहली गल तो तुम्हें पता ही है ये आर्टिकल नंबर 19 है, ये आर्टिकल 19 पार्ट 3 च है, जमा सही है। कहते ये बच्चो एबसल्यूट नहीं है, जमा सही है यार, हूँ जो आप बोलचाल की आजादी है तो ए तो नहीं फिर भी हूँ इतने मैं गाला क्ढन लग जा फटे चकद मैं तो गंद पा लग जा फिर तुम मैं आके सट भी लोगे ना कि सू तू ए किमें बोल दोगे भी मनिया भी तू क्लास ला रहे हैं तो धौन तो गोडा धरी जाना है ना, मेहनत कट सकते हैं हूँ जस मैं ए बोल सकता भी चक दो बढ़ दो मार दो चला दो गोलियां ये चीज़ा भी मेरे को बोलचाल की आजादी है। अक्सर कोई भी पावर एबसल्यूट नहीं होंगी तो सही है भी इट इज़ नॉट एबसल्यूट, क्यों नहीं एबसल्यूट क्योंकि आप कदों भी सस्पेंड भी कर सकते हैं, ये कहते कैनोट क्यों कैनोट बई कदों मर्जी आप पढ़ते नहीं होंगे भी जो भी नैशनल एमरजेंसी लग गई अपने आर्टिकल नंबर 19 के जो फंडामेंटल राइट्स है आटोमैटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये अपना जवाब सही है क्योंकि आपू नॉट पूछा बच्चो नॉट, क्या बात है नॉटी मैन, इट कैनॉट बी करटेल्ड लिखता है इन्होंने ठीक है ना। सस्पेंड तो कहते कैन बी सस्पेंडेड तो पता ही कर ही सकते हैं, सीधा सवाल ही आ गया यार बच्चों वाला बच्चो, ये असल दे विच ना फंडामेंटल राइट का कंसैप्ट है, ये आप लिया अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स तो, हूँ अमेरिका हाईली डिवेलप्ड कंट्री है हूँ उत्थे यह आर्टिकल लिखा जचदा अपने देश भुखमरी गरीबी बच्चा टब्बर बुरा हाल सड़क से सौंदे है तो बच्चा यार काम आप भाल दे, ये कहते बच्चों को काम नहीं करा, वह बच्चा कहता भी भाई जी टब्बर पालना है किड़े संविधान का किड़ा आर्टिकल है, बस ए आप याद कर लो भी ये बाल मजदूरी वाला आर्टिकल नंबर बच्चों 24 है, आप याद करनी है फंडामेंटल जो अपना राइट्स है ना बच्चों एदिया तीन कैटेगरी आप 6 याद कर लियो, पहली कैटेगरी कि होंगी है राइट टू इक्वैलिटी किन्ने आर्टिकल है 14 तो लैके 18, फिर राइट अगेंस्ट एक्सपलॉयटेशन 19 तो लैके ए फर्क पैदा दिमाग च, राइट टू फ्रीडम है 19 तो लैके 22 है, जहाँ बोल ही दिना ए तो लिखते 20 मिनट ला देंगे, राइट अगेंस्ट एक्सपलॉयटेशन
ਇਹਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ 23 ਤੇ 24 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 23 ਆ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ 24 ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆ 22 ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਯਾਰ 100 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ 23 ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਹੈ ਤੇ 24 ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 25 ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ 2 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਸ ਨਵੇੜ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਯਾਰ ਭਸਮੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਓਏ ਫਰੀਡਮ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ 21 ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 20 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 21 ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਆਹੋ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਵਿਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਓ 19 ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਓ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 19 ਦੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਬਟ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰ ਖਾਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਪਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 17 ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚਬਿਲਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 18 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ 28 ਸਟੇਟਾਂ 8 ਯੂਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਘਸਮਾਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਖੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੱਦ ਲੱਦ ਕੇ 10-10 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ 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 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੱਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ 26th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਜਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸੋਨੂੰ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਓਏ ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਲੈਣ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਨੇਡਾ ਆਹ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਦ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਤੀਰ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਾਪਤ ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਬਸ ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀ ਕਮਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਦਆਊਟ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ ਚੱਕ ਤੇ ਫਟੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
अक चुकया जां कह लो भी मैं इन चीज़ों तो हम टप चुकया बस अक भी चुकया तो गलों तो मैं टप भी चुकया तो तुसी भी ये सीरीज़ नो सब तो ज़्यादा शेयर करना है लाइक करना है तो कमेंट बचो जरूर करना है जे मैनू कमी दिसी दूजा पार्ट नहीं फिर आऊँगा बस ये गल फिर याद रखियो माए आड़ी चलिया गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर।